जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा इम्यून सिस्टम, राइट। और इम्यून सिस्टम अगर हमारा मजबूत है, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत है, तो डेफिनेटली हम काफी हद तक अपने आप को और अपने फैमिली को, अपने परिवार बच्चों को और हमारे घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ को हम टेक केयर कर सकते हैं। सो आज मैं जो आपसे बात करूंगा, दो चीजों पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जो एक बहुत ही एक कॉमन फिनोमेना है कि अगर मैं से फॉर एग्जांपल 25, 30, 35 साल का हूँ एंड बाहर से मैं बहुत बढ़िया, मतलब मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ मैं, कोई सिम्टम नहीं ले रहा हूँ, और लेकिन बाय द टाइम जब उम्र 40, 45, 50 पहुंच रही होती है, आज की डेट में तो 35, 40 तक पहुंचते पहुंचते बीपी, शुगर, डायबिटीज, देयर आर नंबर ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जा रहे हैं, राइट। मतलब इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है जहां पर कोई ना किसी किसी ना किसी कोई ना कोई हेल्थ एलिमेंट ना हो, राइट। तो पार्ट ऑफ द लाइफ बन चुके हैं। सो आज हम बात करेंगे कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं ये क्यों होती हैं, क्या रीजन है इनका, ठीक है। और अगर हम इनका रीजन समझ पाए, इनका रूट कॉज समझ पाए, जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है, एलोपैथी में हम क्या सोल्यूशन ले रहे होते हैं, और अगर हम नेचुरल तरीके से बात करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें और एक प्रॉपर लाइफस्टाइल हम कर लें, राइट, कुछ छोटे मोटे हम चेंजेस कर लें अपनी डाइट्स में, अपने खान पाने में, खान पीने में, हमारी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में, तो यकीन मानिए ये बहुत सारी जो क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, ये बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, इन बीमारियों को काफी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रीजन बिंग कि आज हम जितनी भी मेहनत करते हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, और एक समय तक हम जो पैसा हमने कमाया होता है वो शायद उस कमाने के चक्कर में, वो वेल्थ क्रिएट करने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ गवा देते हैं, राइट। और एक बार जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमने जो कमाया होता है वो फिर हमारे हॉस्पिटल्स के बिल में जा रहा होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है वो सेशन में मेरा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये कि लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं इनका मेन रूट कॉज क्या है, और अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, एलोपैथी दवाइयों पर नहीं जाना, अपने आप को फिट रखना है, प्रिवेंट करना है अपने आप को इन डिजीज से, तो आपको कैसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की जरूरत है और कैसी डाइटरी हैबिट होनी चाहिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आई शेयर माई स्क्रीन जस्ट अ मिनट। सो ऑप्टिमम हेल्थ, राइट, जैसा आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, ऑप्टिमम हेल्थ में आप सबका स्वागत है। मतलब एक ऐसा आदर्श स्वास्थ्य जहाँ पर आप फिजिकली, मेंटली आप फिट हों, राइट, एंड आप सोशली भी फिट हों। सो ये सब चीजें कैसे आप हासिल कर सकते हैं, सो आज हमारा ओवरऑल रहेगा फिजिकल फिटनेस पर रहेगा, राइट, फोकस। सो एक अच्छी सेहत अगर आपको अचीव करनी है, एक अच्छी हेल्थ आपको अगर चाहिए, फिट रहना है, हेल्दी रहना है, बीमारियों से बचना है, सो उसके एक फोर पिलर्स हैं, राइट। जैसे हम अपने घर को बनाते हैं, राइट, तो उसके लिए हम पिलर खड़े करते हैं, एक मजबूत पिलर होंगे, अगर हमारे घर के बिल्डिंग के स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो डेफिनेटली हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा घर है, मजबूत रहने वाला है। ऐसे ही दीज आर द फोर पिलर्स, ये चार काम है, ये चार चीजें हैं, अगर इन चीजों को, इन एक्टिविटीज को आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, बैलेंस बना लेते हैं, तो डेफिनेटली हम में से हर एक इंसान एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अर्न लिखा हुआ, EARN, जिस तरीके से हम वेल्थ को अर्न करते हैं ठीक वैसे ही हम हेल्थ को भी अर्न कर सकते हैं। हियर ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, ई का मतलब है रेगुलर एक्सरसाइज। दोस्तों हम सब जानते हैं, एवरीबडी नोज कि एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना, एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, 20-30 मिनट की एक्सरसाइज होनी चाहिए, बट क्या वाकई में हम अभी कर पा रहे हैं या करते हैं, डू वी टेक इट सीरियसली, शायद नहीं लेते हैं। जिस दिन हमें डॉक्टर डायबिटीज डायग्नोज कर देता है, जिस दिन हार्ट अटैक आ जाता है, बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस दिन के बाद से फिर हम जागरूक होते हैं, उस दिन हमें लगता है कि नहीं, नाउ इट्स इनफ, अब आई हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स। दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, राइट। मैं आज आपसे बात करूंगा कि क्यों ना हम आज से और अभी से अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस कर लें, जिससे एक्सट्रीम बीमार होने की नौबत ही ना आए, राइट। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, 30-40 मिनट्स का वर्कआउट आप कर सकते हैं अगर आप लॉकडाउन में हैं, सो देर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस, प्राणायाम है, योगा है, राइट, घर पे ही आप बैठ के बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे एक्टिविटीज हैं, योगासन है, प्राणायाम है, जिनको आप घर बैठे कर सकते हैं, राइट। एक आपके माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड इज अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपके पास करोड़ों रुपए की इनकम है, आप बहुत बड़े घर में रहते हैं, लग्जरी कार, आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड, अगर आप अंदर से पॉजिटिव नहीं है, राइट, तो आप अपनी लाइफ को मतलब हैप्पीली इंजॉय नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। सो द पॉइंट इज, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कैसे, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा
अच्छी बुक्स को पढ़ने से, अच्छी चीजों को सुनने से, अच्छी चीजों को देखने से, राइट? सो मेक मतलब आप ऐसी चीजों को सुने, देखें, समझें, एसोसिएट हों जो पॉजिटिव हों, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी देती हूँ. तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, जहाँ पर आप कूल, काम, कंपोज हो सकते हैं, राइट? रेस्ट होना बहुत जरूरी है. हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एक मशीन की तरह काम कर रही होती है, राइट? और एक ह्यूमन बॉडी को लगभग 6 से 8 घंटे का साउंड स्लीप होना चाहिए. मतलब रात को जब आप सोएं तो सुबह उठें तो यू शुड फील फ्रेश. 6 से 8 घंटे की नींद होना जरूरी है. एंड द फोर्थ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूट्रिशन. आज हम और आप जो भी खाना खा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या हम बैलेंस डाइट ले पा रहे हैं? आर यू टेकिंग बैलेंस डाइट? शायद नहीं ले पा रहे हैं. उसका कई सारे रीजन हो सकते हैं, राइट? रीजन नंबर वन, सबसे पहला रीजन तो यही हो सकता है कि शायद हमें पता ही नहीं है बैलेंस डाइट होती क्या है. और अगर पता भी है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल लेके आए. और चलिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर भी ली, अरेंजमेंट कर भी ली, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि हम जो चीज़ लेके आ रहे हैं वो प्योर है कि नहीं. सो आज हम जो ज़्यादातर बात करने वाले हैं वो ये कॉम्पोनेंट है, फोर्थ कॉम्पोनेंट, न्यूट्रिशन पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें, कैसे हम अपने न्यूट्रिशन को बेटर करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं. बिकॉज ये थ्री कॉम्पोनेंट, एक्सरसाइज करने के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप कर सकते हैं चाहेंगे तो, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके हाथ में, रेस्ट और न्यूट्रिशन आपके हाथ में, पर चौथा जो बैलेंस डाइट लेना है, ये काफ़ी कुछ हम बाहर चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं. सारी चीज़ें हम मार्केट से लेके आ रहे होते हैं, वो कितनी कंटामिनेटेड हैं, कितने केमिकल्स हैं, यू नेवर नो, राइट? तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेट्स मूव फर्दर. बिफोर गोइंग अहेड, सबसे पहले हम अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में समझते हैं. हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इतना बड़ा, ये इसका कंस्ट्रक्शन, ये बनता कैसे, राइट? सो आवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 63 ट्रिलियन सेल्स. हमारा ह्यूमन बॉडी जो 63 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना होता है. और तो जो सेल्स हैं, सेल्स लुक्स लाइक दिस. हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं. हमारे लाइफ की सारी लिविंग एक्टिविटीज जो होती हैं, दे आर अकरिंग इन द सेल्स ओनली. हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, हम कुछ भी, सारी एक्टिविटीज सेलुलर लेवल पर हो रही होती है. ये कैसे फॉर्मुलेट होती हैं? ये सारी सेल्स होती हैं जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यूज, राइट? टिश्यूज आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, देन ऑर्गन मेक्स द सिस्टम. हमारी बॉडी में हर एक काम के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम है, राइट? फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, राइट? और हर एक सिस्टम का अपना एक रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. और ये सारे सिस्टम जब आपस में कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, आपस में मिलजुल जाते हैं, तो पूरा ह्यूमन बॉडी एक सही तरीके से फंक्शन कर रहा होता है, राइट? अब चैलेंज जो है, आज का जो हमारा फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, आज का जो हमें देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस, ये सब क्यों हो रहा है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी जो सेल्स हैं, हमारी सेल को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो ऑप्टिमम क्वांटिटी में नहीं मिल पा रहा. हम खाना तो खा रहे हैं पर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो नहीं मिल पा रही है. दूसरा चीज, जो मिल भी रहा है वो पोल्यूटेड है, एडल्ट्रेटेड, बहुत सारा केमिकल्स है, राइट? तो इसके चलते हो क्या रहा है कि हमारे सेल की जो फंक्शनिंग है, सेल का जो काम करने का जो तरीका है, सेल जितने लेवल पर काम करना चाहिए वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही. जब सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, उसका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपके टिश्यूज ठीक से काम नहीं करेंगे, ऑर्गन काम नहीं करेंगे, सिस्टम काम नहीं करेंगे. और इस तरीके से क्या होगा, एज अ ह्यूमन, एज अ होल बॉडी, धीरे धीरे हमारी जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है. और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीजेज हो रही हैं, राइट? दो तरीके की बीमारियां होती हैं. एक होती है एक्यूट बीमारी, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, मतलब आपको तुरंत सिम्टम्स आ जाएंगे, आपने मेडिसिन लिया एंड यू विल गेट क्योर्ड, आपको आराम मिल जाएगा. लेकिन जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, ये एक दिन में डेवलप नहीं होती, दे टेक्स लॉट, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल का वक्त लगता है. और ये धीरे धीरे करके ग्रो होती हैं. बाय द टाइम यू रियलाइज, जब तक आपको पता चलता है, ये डिजीजेज जो होती हैं आपकी पूरी बॉडी में एस्टेब्लिश हो चुकी होती हैं. सो व्हाट आई एम टॉकिंग इज, हमें अगर हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाए, थोड़ा सा अवेयर हो जाए अपने लाइफस्टाइल को लेके, तो यकीन मानिए हम ये बहुत सारी क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सब डिजीजेस से. तो ये सब कैसे होने वाला है? बेसिकली हमारे बॉडी को चाहिए क्या? हमारे बॉडी को चाहिए फ्रेश एयर. लेकिन जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं, पोल्यूशन एक्सट्रीम पर है. इंडिया में अगर आप देखा जाए, वर्ल्ड की टॉप 20-30 सिटीज में इंडिया की एटलीस्ट 5-6 सिटीज आती हैं हमारी, राइट? इतना भयंकर पोल्यूशन है. वाटर हमें चाहिए प्योर, लेकिन वी आर गेटिंग पोल्यूटेड वाटर. हमारी बॉडी को 36 विटामिन और मिनरल्स चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए. तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ और है, राइट? रिक्वायरमेंट कुछ और है, सप्लाई कुछ और कर रहा है. तो देयर इज अ गैप, मतलब जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है. और इसी बैलेंस के बिगड़ने की वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं. सो वी नीड टू टेक केयर, राइट? कि हम ये बैलेंस को कैसे ठीक करें, राइट? सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज
आप कर सकते हैं, एटीट्यूड आप रख सकते हैं, रेस्ट आप कर सकते हैं, चैलेंज जो है वो है हमारी डाइट में। दिस इज कॉल्ड अ फूड पिरामिड। हमारा जो डाइट होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू फूड पिरामिड होना चाहिए। मतलब जैसा है, जो सबसे टॉप पर है जो फैट है, ऑयल है, ये सबसे कम क्वांटिटी में होना चाहिए, राइट। मीट नॉन वेज उससे कम होना, मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर मिल्क है, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, एंड सबसे बेस में देख रहे हैं आप सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ फूड पिरामिड। ये हमारा मतलब खाने की क्वांटिटी या सर्विंग्स होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए। बट अभी हो क्या रहा है, हमारा फूड पिरामिड जस्ट अपोजिट हो गया। मतलब जो चीज हमें सबसे कम खाना चाहिए वो चीज हम सबसे ज्यादा खा रहे होते हैं। अल्टीमेटली आज आप जो भी खाना खाते हैं, वट एवर फूड वी आर कंज्यूमिंग, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है और उसके बेसिक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेती है। कैसे कि वट एवर यू ईट, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर, राइट। ये 5 to 6 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होकर कन्वर्ट हो जाता है। सो कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिलता है? यू विल गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम चावल, चपाती, जो भी मिठाई होती है वहां से मिलेगा। ऑयल आपको कहाँ से मिलता है? जो भी आप ऑयली सब्सटेंस, घी, तेल, डालडा कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो WHO ने सर्वे किया इंडियन डाइट पे कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। सो WHO ने पाया कि हमारे इंडियन डाइट में वी आर कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स। जो भी आप जंक फूड खा रहे होते हैं, इट इज रिच इन कार्ब्स एंड फैट। सो अभी जब एक्सेस क्वांटिटी में आप कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स खाएंगे तो होगा क्या, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी जाने वाला है। यही एक्स्ट्रा कैलोरी धीरे धीरे करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है एडिपोज टिश्यूज के अंदर, एंड जब वो विसरल फैट में कन्वर्ट हो जाता है तब आपको बीपी, शुगर, डायबिटीज, तमाम तरह के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है हमारी डाइट में ये एक्सेस ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स का लेना, ये हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। कमी किस चीज की है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये हम सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं। ये हमें लेना चाहिए पर वी आर नॉट गेटिंग इन सफिशियंट क्वांटिटी। आगे हम बात करेंगे कि हमें कितना क्वांटिटी में ये लेना चाहिए और कितना हम ले पा रहे हैं, और उसको कवर अप करने के लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन। इसमें अभी देख पा रहे होंगे जो फाइबर है, फाइबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर डाइट। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रोज एवरी डे यू मस्ट बी टेकिंग 1/4 प्लेट ऑफ सैलेड। मैं जब भी ऑनलाइन सेमिनार कर रहा होता तो आई फाइंड लेस देन 5% 10% 5 to 10% होते हैं जो सैलेड्स ले रहे होते हैं, वो भी कभी कभार, दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं आपसे सवाल करता हूँ दोस्तों, आपके घर में, आप भले लॉकडाउन के अंदर बंद हैं घर में, घर की सफाई रोज करते हैं कि नहीं करते? यस और नो? डेफिनेटली हम एवरी डे रोज हमारे घर की क्लीनिंग होती है, झाड़ू पोंछा करते हैं और वैक्यूम क्लीनर चला रहे होते हैं। क्यों करते हैं हम घर की सफाई? बिकॉज हम गंदगी में नहीं रह सकते। तो साफ सफाई कितना जरूरी है? वॉट अबाउट योर गट, वॉट अबाउट योर बॉडी? दोस्तों हम जो भी कंज्यूम कर रहे होते हैं अल्टीमेटली उसका डाइजेशन होता है, और उसके बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में चिपका रह जाता है, और जब वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चिपका रह जाता है तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड तमाम सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फाइबर एक इतना इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, एटलीस्ट 10 to 20 gram, 30 gram फाइबर आपको पर डे आपकी डाइट में होना चाहिए। उसके लिए कम से कम 1 plate सैलेड सुबह, 1 plate शाम को आपको लेना ही लेना चाहिए। फाइबर लेने से क्या बेनिफिट होगा? आपको डाइजेशन से रिलेटेड कभी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस, कॉन्स्टिपेशन, फाइल्स, देयर आर नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द डाइजेशन प्रॉब्लम, तो आपकी लाइफ में कभी भी डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यू मस्ट ऐड फाइबर इन योर डाइट। जो भी सीजनल, ककड़ी है, प्याज है, टमाटर है, खीरा है, व्हाटएवर, जो भी फाइबरस चीजें होती हैं उनको आप ऐड करिएगा, राइट। पर रिमेंबर वन थिंग, डोंट यूज टेबल साल्ट ऑन द सैलेड, राइट। टेबल साल्ट को यूज बिल्कुल मत करिएगा बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल। अगर यूज करना ही है तो पिंक सॉल्ट आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सारे फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, नेचर ने इन सब के अंदर सॉल्ट, शुगर सब कुछ डाला हुआ है, हमें एक्स्ट्रा शुगर और सॉल्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सो फाइबर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर डाइट। एंड सेकेंड थिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल आई फाइंड कि वो जब खाना खाते हैं तो खाने के साथ में 1 glass पानी साथ में रखते हैं। थोड़ा सा आपने खाना खाया फिर पानी पी लिया, थोड़ा खाना खाया फिर पानी पी लिया। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, नेवर एवर ड्रिंक वाटर इन बिटवीन व्हेन यू आर टेकिंग फूड। खाना के बीच में आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, अदरवाइज यू विल स्पॉइल योर डाइजेशन। आपको जिंदगी भर पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी रहने वाली है। तो अगर आप ये 2 habit चेंज कर लें, आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव अ फिनोमिनल डाइजेस्टिव सिस्टम। मगर अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, मीन्स आपके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी है तो आपका पूरा स्टेट गवर्नमेंट एज ए बॉडी आपकी बहुत अच्छी काम करने वाली। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, दैट यू ऑल नो, बट द पॉइंट इज दैट मतलब हम कई बार उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन चीज़ों को जरूर अडॉप्ट करिए, आपकी हेल्थ में ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। सो एज वी आर डिस्कसिंग बैलेंस डाइट, पर द चैलेंज क्या है आज की डाइट में? हमें बैलेंस डाइट क्यों नहीं मिल पा रही? बिकॉज द लाइफ स्टाइल इज वेरी फास्ट, राइट। अभी तो लॉकडाउन है, आप घरों में बंद है, तो
मैं तो देख रहा हूँ लोगों को पार्टीज हो रही है एवरी डे, पीपल आर कुकिंग नंबर ऑफ डिशेज, और लोगों ने वजन बढ़ा लिए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हेल्थ पे वर्कआउट किया है, राइट, जिन्होंने अपना वेट लॉस भी किया है, पर मोस्ट ऑफ द पीपल घर पे बैठे हैं, मूवीज देख रहे हैं, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन। अभी तो ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई, तो मैं देखता हूँ हमारी कॉलोनी में डोमिनोज का पिज्जा मतलब लगा लाइन लगा के बिक रहा है। दोस्तों वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम बहुत मेहनत करते हैं अपने आप को बीमार करने के लिए, बट एक चीज आप समझिएगा कि अगर आप अपनी इस बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये बॉडी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाली। ट्रीट योर बॉडी जस्ट लाइक ए टेम्पल, ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ भी उठाए गार्बेज आपने डाल लिया, जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको सफर करना पड़ेगा। सो बी वेरी कॉशियस व्हेनेवर यू आर कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ फूड। सो ये हेल्दी, थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स हमें डेवलप करने की जरूरत है, राइट। सेकेंड जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है हमारे देश में वो है इंक्रीजिंग पोल्यूशन। सी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन तो ला दिया, हमने प्रोडक्शन बढ़ा लिया खेती बाड़ी करके, बट उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमने केमिकल्स यूज करे। ये देखिएगा इंजेक्शन को यूज करते हैं आप लौकी में, कद्दू में, तुरई में, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, तो उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। किसान को लगता है कि जब साइज बड़ा हो जाएगा तो मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा। आप देखिए आर्टिफिशियल कलर, जो होली के कपड़ों के कलर होते हैं वो परवल पर, मतलब मटर के दाने के ऊपर, तमाम तरह हरी सब्जियों पर डार्क ग्रीन कलर, जो इट इज नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन बट वो यूज कर रहे हैं। ये सारे जहरीले केमिकल, यूरिया केमिकल, डीएपी, पेस्टिसाइड्स। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने केला, आपने बनाना भी आता है, मैंगो, पपाया, जितना भी आप लेते हैं मार्केट से, डू यू थिंक कि वो पेड़ पर पका हुआ, नेचुरल पका हुआ आता होगा? नो, दे आर यूजिंग कार्बाइड, दे आर यूजिंग इथिलीन, दे ऑल आर कैंसरस सब्सटेंसेस। आज से 30-40 साल पहले अगर हम देखें, क्या कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी इतनी कॉमन थी? पर माय डियर फ्रेंड्स, आज आप देखें आपके रिलेटिव में, फैमिली में, जान पहचान में, अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट बैठा हुआ है। व्हाई इट इज सो? पहले नहीं होती थी ये बीमारी, बट अभी क्यों होने लगी है? तो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है ये जो हार्मफुल केमिकल्स जो है फूड चेन के माध्यम से हमारे बॉडी में जा रहे हैं, डेंजरस केमिकल्स हैं। और ये धीरे धीरे केमिकल जब हमारे बॉडी में जाते हैं, हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं, और जब वो सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगती हैं, इट्स कन्वर्ट इनटू कैंसर। और दोस्तों जब एक बार किसी पर्सन को कैंसर हो जाता है, मैं देखा है लोगों की फैमिली खत्म हो जाती है। आई वॉज इन कैंसर, मैंने 10 साल फार्मा इंडस्ट्री में करीब जॉब किया, आई वॉज इन कैंसर मेडिसिन डिपार्टमेंट, राइट, फार्मा में कैंसर मेडिसिन में था। मतलब मेरी तो रूह कांप जाती थी, जिस फैमिली में कोई, भगवान ना करे, मतलब किसी को भी ये बीमारी हो, लेकिन माय गॉड, एक इंसान की पूरी जिंदगी कमाई दाव पर लग जाती है, घर द्वार बिक जाते हैं, लेकिन वो पर्सन ठीक नहीं होता। सच ए डेडली डिजीज। क्यों हो रही है? इट इज बिकॉज ऑफ दीज हार्मफुल डेंजरस केमिकल्स। इंडिया में इतने स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं है, जो रिकमेंडेड डोजेस लिखे होते हैं कि भाई इतना दवाई डालना है फसलों में, किसान उसको 3 गुना 4 गुना यूज कर रहा होता है, क्योंकि वो कीड़े मरते नहीं, उनको लगता है बार बार कौन जाएगा, एक ही बार में डाल दो क्योंकि मुझे पैदावार बढ़ानी है। सो दे आर यूजिंग केमिकल्स लाइक एनीथिंग। नाउ माय क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आप लगभग 1000 लोग अभी बैठे हुए हैं, मेरा सवाल आपसे ये है, ये सारे जहरीले केमिकल से बचने का कोई सोल्यूशन आपके पास है? डू यू गेट एनी सोल्यूशन फॉर दैट? एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम सब लोग खाना पीना छोड़ दें, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, हमें खाना पीना तो खाना ही पड़ेगा। सेकंड सॉल्यूशन कि अब हम सब लोग किचन गार्डन बनाएं, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दें, अपना अपना फार्म हाउस लें और खेती करना शुरू कर दें। सो इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एवरीवन? नो। तो बहुत सारा रिसर्च हुआ कि हम ये जो खतरनाक समस्या है इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो एक सोल्यूशन में एक ऐसी चीज निकल के आई कि अगर हम सभी लोग जो अभी सो कॉल्ड हेल्दी दिख रहे हैं बाहर से, अगर हम अपनी डाइट में कुछ ऐसा न्यूट्रिशन लेना शुरू करें जिसके अंदर कुछ अच्छे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, राइट, एंटीऑक्सीडेंट्स और सच ऐसी कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स और केमिकल्स जाते हैं उनको इनएक्टिवेट करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और हमारे बॉडी को जो डैमेज होने वाला था उससे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इट जस्ट लाइक कि हमारे घर में आपने देखा होगा, हम आयरन खुला लोहा, आयरन के जो गेट्स होते हैं या कुछ भी आयरन अगर बाहर डला रहता है तो उसमें जंग लग जाता है, राइट। आपने कभी घर में सेव काट के देखा होगा तो वो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी पुट रेड ऑक्साइड का पॉलिश कर देते हैं जिससे वो प्रोटेक्ट हो जाता है। बट व्हाट अबाउट ह्यूमन बॉडी? एवरी डे हमारे बॉडी में जहरीले केमिकल्स जा रहे हैं, पोल्यूशन जा रहे हैं, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? वी डोंट हैव, हम अपनी डाइट में वो सब चीजें नहीं ले पा रहे। सो अभी मैं आगे फर्दर स्लाइड्स में बताऊंगा, देर आर सर्टेन गुड न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, कुछ ऐसी डाइट्स हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनको अगर आप सही क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे,
So you can provide a sufficient good quantity of nutrition and antioxidant to your body, and you can prevent yourself and your family from such a deadly diseases, right? So what are these? Let's discuss. So what I am talking is the all ye sari bimariyan jinki bare mein baat kar raha hu, these all are lifestyle diseases. As I told you earlier, there are two kind of diseases. One is acute diseases, right? And matlab ek jo hoti hain infectious diseases hoti hain jo kisi bacteria virus ke infection se ho jati hain, right? And second one is lifestyle diseases. Lifestyle diseases, wo diseases jo kisi bacteria virus se nahi, it is because of your lifestyle. Is in bimariyon ke liye zimmedar hum khud hain, koi bacteria virus zimmedar nahi hai. Because jitni bhi infection se hone wali bimariyan aati hain unke liye koi vaccines ban gaye, antibiotics ban gaye, unko hum consume karte hain, we get cured. But ye jo bimariyan hain, ye bimari ek din mein develop nahi hoti, pehli baat. Aur dusra challenge, jab ye aapki body mein develop ho rahi hoti tab aapko pata nahi hota. इसीलिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड गाइडलाइन है मेडिकल साइंस में, बोला जाता है, बताया जाता है कि बाय द टाइम यू रीच 20-25 ईयर ऑफ एज, 20-25 साल की जब उम्र आप हो जाती है, तो आपको साल में एक बार कंप्लीट मेडिकल चेकअप कराना चाहिए. डजंट मैटर आपको कोई बीमारी है अथवा नहीं है, पर साल में एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए. उससे क्या फायदा होगा, आपको पता होगा कि अगर आपकी बॉडी में कुछ छोटे मोटे चेंजेस होने वाले हैं, अगर आपका शुगर लेवल 170-180 जा रहा है, थोड़ा सा आपका कोलेस्ट्रॉल 180-200-220 जा रहा है, तो एटलीस्ट आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके उसको रिवर्स कर सकते हैं. आप प्री डायबिटिक प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में होंगे, यू कैन कंट्रोल दैट. बट हमें कोई फिक्र ही नहीं है, हम दोस्त अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब बीमारी होगी तब देखी जाएगी. दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम सभी के घर में टू व्हीलर फोर व्हीलर होते हैं. आप उस टू व्हीलर फोर व्हीलर की कब सर्विसिंग कराते हैं, जब वो आपकी गाड़ी पूरी तरह खराब हो जाती है तब उसकी सर्विसिंग और कुछ कराते हैं, ये एवरी थ्री मंथ फोर मंथ जब भी उसका ड्यू सर्विस होता है तब हम कराते हैं. मुझे पता है कि हर तीन महीने चार महीने से पहले जब भी उसकी सर्विस ड्यू होती है हम करा लेते हैं. क्यों? क्योंकि उसको हमने पैसे दिए हैं 10-20 लाख रुपए. व्हाट अबाउट योर बॉडी, इसकी क्या कॉस्ट लगाएंगे आप? टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज एक बार अगर ये बीमारी डायग्नोज हुई, मैंने आज तक किसी पर्सन को, बहुत ही रेयरेस्ट होंगे जिनकी बीपी शुगर की दवाइयां छूट गई हो, कैंसर ठीक हो गया हो, एक बार दवाई शुरू होती है जिंदगी भर इलाज चलता है. सो इन बीमारियों से बचने का क्या सलूशन क्या है? आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं, व्हाट डू यू हैव सलूशन, क्या सलूशन आपके पास है? सिर्फ एक ही सलूशन है, दैट इज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड ओनली प्रिवेंशन. कई बार लोग इसको लेते हैं, चल ठीक है अच्छा लगा, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन थी, सोचूंगा विचार करूंगा. डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू नेवर नो. अभी एवरी डे यू गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हर दिन आपके न्यूज़पेपर में खबर आ रही होती है, 25 साल का लड़का था हार्ट अटैक से चला गया, कोई सिम्टम नहीं थे बंदे के अंदर, सब कुछ हट्टा कट्टा था, हेल्दी था, पर चला गया. क्यों? क्योंकि चेकअप ही नहीं करा रहे हैं. आज की डेट में इतने अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स हो गए हैं, बड़ी बड़ी पैथोलॉजी खुल गई, 2-2.5 हज़ार रुपए के अंदर आपकी पूरी बॉडी का चेकअप हो जाएगा. आपकी साल का एक डेट फिक्स कर लीजिए, हो सकता है आपका बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी, कोई एक डेट फिक्स कर लीजिए जहां पर आप अपना रूटीन चेकअप कराएं. बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, पर उससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर रहने वाली है, राइट? सो मेक इट हैबिट. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि अगर आपको इन बीमारियों से बचना है, तो आप क्यों ना हम और आप अभी से थोड़े से सजग हो जाएं, अभी से थोड़े से कॉशियस हो जाएं और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, कुछ अच्छी चीजें अपनी डाइट में ऐड कर लें जिससे हम अपने आप को फिट रख सकें. सो वो क्या चीजें हैं, वो ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, राइट? सो एज आई टोल्ड यू व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वही है जो आपको चार काम मैंने बताए थे, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 5000 फिट, 5000 से 10000 कदम पर डे चलना. आजकल तो फिट वॉच आ चुके हैं, स्मार्ट वॉचेज आ चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, यू कैन keep that fitband with you and you can track your fitness. Regular exercise, positive attitude, rest and nutrition. अब जब मैं nutrition की बात कर रहा हूँ, तो हम सब लोग सुबह शाम दोपहर खाना खाते हैं, अपना जो भी आपका routine घर में खाना बनता है, आपको थोड़ा सा modification करना है आपके diet में. You just check it out कि आपकी diet में कहीं आप excess amount of carbohydrate and fats तो नहीं ले रहे, उनको आपको cut down करना है, reduce करना है. Protein, vitamin, mineral and fiber, जो चीज आप नहीं ले पा रहे sufficient quantity में, उसकी quantity थोड़ी सी improve करनी, so that you can have your balanced diet, right? उसके बावजूद भी कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो शायद आपको डाइट के थ्रू नहीं मिल पा रहे, तो आपके पास चॉइस है. चॉइस है कि आप या तो अभी नेचुरल फूड सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें, राइट? अगर आज आप फूड सप्लीमेंट या कुछ नेचुरल चीजें नहीं लेते अपनी डाइट में, तो डेफिनेटली हमें तैयार होना पड़ेगा आने वाले 5-10 साल के बाद मेडिसिन लेने के लिए. चॉइस आपके पास है कि हमें 5-10 साल के बाद बीमार हो जाएं और जिंदगी भर दवाइयां खाएं, एलोपैथिक ड्रग्स खाएं जिनकी कई सारे हजारों साइड इफेक्ट्स हैं, या अभी से कुछ थोड़ा थोड़ा सा फूड सप्लीमेंट, कुछ नेचुरल अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स, कुछ अच्छा न्यूट्रिशन अपनी डाइट में ऐड कर लें, जिससे हमें फ्यूचर में ड्रग्स की मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े.
क्या अच्छा रहेगा? आई एम श्योर सब लोग नेचुरल फूड सप्लीमेंट पे जाना चाहेंगे, नेचुरल डाइट पे जाना चाहेंगे, बिकॉज हमारा ह्यूमन बॉडी इज ऑफ नेचुरल, राइट? सो हमने बात करी फैट की और कार्ब्स की, राइट? ये चीजें हम ऑलरेडी हमारी डाइट में एक्सेस क्वांटिटी में ले रहे हैं, राइट? नाउ आई विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर, राइट? ये क्यों हमें लेना चाहिए और इनका क्या बेनिफिट है? लेट डिस्कस अबाउट प्रोटीन, व्हाट प्रोटीन इज ऑल अबाउट। दोस्तों प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे आपने बिल्डिंग को बनाने में ब्रिक्स लगाई, ईंटें लगाई, ईंटों के बीच में जो आपने सीमेंट यूज किया वो क्या दे रहा है? आपकी बिल्डिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली हमारी जो प्रोटीन है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। नाउ प्रोटीन आपको फूड से मिल रहा है जो आप ले पा रहे हैं, राइट? बट अभी हम बात करेंगे कि क्या आप सफिशियंट क्वांटिटी में प्रोटीन ले पा रहे हैं, विल डिस्कस। बट बिफोर गोइंग अहेड सबसे पहले समझते हैं कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। सो देयर इज अ गाइडलाइन, WHO का गाइडलाइन है। WHO का गाइडलाइन आपको बोलता है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। फॉर हेल्दी एडल्ट, राइट, 18 ईयर एंड अबव, आपको 1 kg बॉडी वेट पर, 1 kg बॉडी वेट पर 1 gram प्रोटीन पर डे चाहिए टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। एडल्ट्स के लिए 1 kg बॉडी वेट पर 1 gram प्रोटीन पर डे चाहिए। फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चों की बढ़ती उम्र होती है, ग्रोइंग एज होती है, सो दे नीड एटलीस्ट 1.5 gram प्रोटीन पर 1 kg बॉडी वेट। For pregnant and lactating mothers, they need 1.75 gram protein per day, per kg body weight, because उनकी खुद की body के लिए, growing fetus के लिए। So, और कोई जो bodybuilding और gym कर रहा है उसके लिए और extra protein की जरूरत है। So, as per your routine life, आप life की किस stage पे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग protein की requirement होती है। But let's take general, हम एक general एक individual की बात करते हैं, normal एक individual की बात करते हैं। तो उस person को, आपकी जो भी age है, जो भी आप, if you are 18 years and above, आपको per day 1 gram प्रोटीन पर 1 kg बॉडी वेट चाहिए। अब नाउ कैलकुलेट, अभी एक कैलकुलेट हम करेंगे, बट बिफोर कैलकुलेटिंग समझते प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या क्या काम कर रहा होता है। दिस स्लाइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, जस्ट बी फोकस्ड। प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में कितने सारे फंक्शन काम कर रहा होता है, हाउ इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज फॉर योर बॉडी। हमारे बॉडी में जो हेयर है, आपके हेयर, स्किन एंड नेल्स, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। हेयर, स्किन, नेल्स प्रोटीन से बनता है। आपके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 components, वन इज हीम, सेकंड वन इज ग्लोबिन, हीमो प्लस ग्लोबिन। तो हीम पार्ट तो आयरन मिल जा रहा है, राइट, पर ग्लोबिन, जब तक प्रोटीन नहीं होगा तब तक ग्लोबिन नहीं बनने वाला। सो हीमोग्लोबिन के लिए भी प्रोटीन चाहिए। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन और नर्वस टिश्यूज है उनके लिए प्रोटीन चाहिए। मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए। हमारे बॉडी में जितने भी सिग्नलिंग प्रोसेस होती है उसके लिए प्रोटीन चाहिए। हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, चाहे वो थायराइड हॉर्मोन है, चाहे वो इंसुलिन है, जितने भी बायोकेमिकल एंजाइम्स हैं वो सब के सब प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, मैं रुकना चाहूंगा यहाँ पर, हमारे बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं, वो तभी बनेंगे जब आपके बॉडी में सफिशियंट क्वांटिटी में प्रोटीन होगा। हमारे बॉडी में जो VATR होता है, रिपेयरिंग मैकेनिज्म होती है, उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो जस्ट इमेजिन कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा असेंशियल है, कितना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। बट सवाल ये उठता है कि जैसा हमने बात करी आपको जितना रिक्वायरमेंट प्रोटीन का है क्या उतना आप ले पा रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड, आर यू टेकिंग सफिशिएंट प्रोटीन? सो जस्ट एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल योर बॉडी वेट इज 60 kg, सो एज पर 60 kg बॉडी वेट यू नीड 60 g ऑफ प्रोटीन पर डे। ये आपकी डाइट है पर डे की। अगर आप पतली जो चपाती फुल्का ले रहे होते हैं, 8 से 10 अगर चपाती पर डे खाते हैं, सो यू विल गेट लगभग 10 g प्रोटीन आपको चपाती से मिलेगी। 2 कटोरी दाल आपने ली तो लगभग 4 से 6 g आपको प्रोटीन दाल से मिल जाएगा। अगर 1 glass दूध भी ले लिया गलती से तो लगभग 2 से 4 g प्रोटीन वहां से मिल जाएगा। अगर आप ये सारा फूड कंज्यूम करते हैं, अगर आप एग्स लेते हैं, नॉन वेज भी लेते हैं, सब कुछ भी ले लेते हैं, सो हाउ मच प्रोटीन यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग एटलीस्ट 30 g ऑफ प्रोटीन। 30 g प्रोटीन आप ले पा रहे हैं बहुत कुछ अच्छा खाने के बावजूद भी, 30-35 g। आपको रिक्वायरमेंट कितना है? यू नीड 60-70 g प्रोटीन टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। बट आप अपनी बॉडी को दे कितना रहे हैं? अभी कई बार हमें लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा वेल टू डू फैमिली से हैं, आई एम टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो माय डियर फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अंडर रॉन्ग इंप्रेशन। ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बात इंडिया की एक जानी मानी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बताता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये बताता है कि 80% इंडियन अपने डाइट में सफिशियंट प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। जस्ट इमेजिन द फिगर, अपनी रिक्वायरमेंट का 50% ही नहीं ले रहे हैं। जब आप सफिशियंट प्रोटीन नहीं लेंगे तो वॉट इज गोइंग टू हैपन? लेट्स गो बैक। ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये एक मशीन की तरह काम कर रही होती है। इसे जितना आप इनपुट देंगे उतना इससे आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 2-wheeler है, और या 4-wheeler, whatever, एक 2-wheeler स्कूटी है या बाइक है,
आपकी बाइक जो है 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलती है, मतलब आपकी बाइक की एवरेज 50 किलोमीटर है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपनी बाइक का पेट्रोल पूरा बाहर निकाल दीजिए और उसमें 250 ml पेट्रोल डालिएगा। अगर आप 250 ml पेट्रोल डालते हैं और आप बाइक को चलाते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या आपकी बाइक 50 किलोमीटर तक जा पाएगी? नॉट पॉसिबल। 15 किलोमीटर के बाद आपकी बाइक में, 15 किलोमीटर के बाद आपकी बाइक में रिजर्व लगाना पड़ेगा। थोड़ा और चलाएंगे, कुछ टाइम के बाद बाइक चलेगी और बंद हो जाएगी, बिकॉज उसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना आपने सप्लाई नहीं किया। ठीक वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसकी जितनी रिक्वायरमेंट है अगर आप इसे सप्लाई नहीं करेगी तो कुछ टाइम तक तो रिजर्व में चलेगी, उसके बाद हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड हेल्थ, ऑप्टिमम हेल्थ। मैं बात करूंगा आज की डेट में जो थायराइड जैसी बीमारी है। थायराइड बीमारी क्यों हो रही? थायराइड में भी दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक हाइपोथायराइड होता है, एक हाइपर। हाइपो मतलब कम। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, जब आप अपनी बॉडी को सफिशियंट क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं देंगे, तो जब सफिशियंट क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं जाएगा तो आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन जो सफिशियंट क्वांटिटी में बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, थायराइड हार्मोन कम बनेगा, हाइपोथायराइड हो जाएगा। हाइपोथायराइड की बीमारी हो जाएगी, हम जाएंगे फिजिशियन के पास और आपका मेडिसिन ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, आप जिंदगी भर थायरोक्सिन एल्ड्रोम गोली खाते रहेंगे। एंड वुमेन्स के लिए अगर मैं बात करूं, लाइफ बिकम लाइक पैथेटिक, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा उनका मंथली साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं एंड उनको हेयर फॉल होता है, स्किन में ड्राइनेस रहती है, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, वेट बढ़ा जा रहा होता है, पूरा चिड़चिड़ापन होता है। इट इज क्यों हो रहा है? सी एज ए ह्यूमन बॉडी, जब हम पैदा हुए थे, जब इस दुनिया में आए थे, हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन सिस्टम भगवान ने परफेक्ट बना के भेजे थे, पर उन्होंने एक ही कंडीशन बोला था कि इस बॉडी को आप प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे तो ये बॉडी प्रॉपर परफॉर्म करने वाली। जस्ट इमेजिन करिए लास्ट 30, जो भी आपकी एज है 20-30 ईयर से, हाउ मच प्रोटीन यू आर कंज्यूमिंग। और हम इमेजिन करते हैं कि हमारी टॉप टू बॉटम बॉडी परफेक्ट रहनी चाहिए 40-50-60 ईयर तक, परफेक्ट मसल्स रहनी चाहिए। रिक्वायरमेंट 60 ग्राम की है, 20-30 ग्राम सप्लाई कर रहा है, सबसे पहला जो काम होता है आपको इफेक्ट कहां पर दिखता है प्रोटीन डेफिशिएंसी का? ये ऊपर वाला जो माला है ना, ये खाली होने लगेगा, टॉप फ्लोर हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। आई मेट लॉट्स ऑफ पीपल, सर बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम लेडीज को बहुत ज्यादा हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम है आज की डेट में, रूटीन प्रॉब्लम है, जेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? आप यू आर नॉट टेकिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। अब हेयर फॉल होगा तो हम सर्च करते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर देखते हैं कि क्या वीडियो है, क्या है, तो वी ट्राई लॉट्स ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर। व्हाट शैम्पू एंड कंडीशनर इज गोइंग टू डू? शैम्पू एंड कंडीशनर सिर्फ टाइम पास कर रहा है, बिकॉज हेयर का जो रूट है वो तो आपके स्कैल्प के अंदर है। शैम्पू कंडीशनर सुपरफिशियली सिर्फ आपके बालों को कंडीशनर करेगा। इंटरनल न्यूट्रिशन, जब तक आप अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक इंप्रूव नहीं करेंगे, आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। अगर इफ दिस हेयर प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 90% हेयर प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। मस्कुलर वीकनेस है, सर बॉडी में स्टेमिना नहीं है, थोड़ा बहुत काम करते हैं थक जाते हैं, बैक पेन हो रहा है, बैक की मसल्स वीक है, थोड़ा सीढ़ियां चलनी 2-3 बार तो काफ मसल पेन होने लगी, मसल्स में ताकत नहीं बची हुई, बिकॉज व्हाई इट इज सो, प्रोटीन ही नहीं है डाइट में। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे बाल काले घने लंबे होने चाहिए, स्किन जबरदस्त होनी चाहिए, मसल्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए। दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है। हमारी गाड़ी, हमारी जो बॉडी की गाड़ी है ना, रिजर्व में चल रही है। अभी मैं बात करूं इंडिया में 90% वुमेन्स आर सम टाइम और कभी ना कभी उनको एनीमिक कंडीशन आती है बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजी। और जब उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो वीकनेस, टायर्डनेस, आंखें पीली पड़ जाना, चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। हम जब फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ये सब्सक्राइब वो कुछ आपको आयरन टॉनिक पकड़ा देते हैं। अब आयरन टॉनिक क्या करने वाला? आयरन टॉनिक जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में जस्ट आयरन जा रहा है। अब अकेला आयरन लेने से परफेक्ट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल नहीं बनने वाला, तो जब तक आप आयरन टॉनिक लेते हैं तब तक आपका हीमोग्लोबिन 10-11 तक पहुंच जाता है। आयरन टॉनिक लेना बंद किया फिर से हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, फिर हमें वीकनेस, टायर्डनेस लगती। रीजन बीइंग, आपकी डाइट में सफिशियंट प्रोटीन नहीं है, बिकॉज एक परफेक्ट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनने के लिए यू मस्ट टेक प्रोटीन एंड आयरन टुगेदर, देन ओनली परफेक्ट हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन हो सकता है। सो प्रोटीन इज वेरी मच क्रिटिकल फॉर योर ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन हेल्थ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये तो हमने प्रोटीन की इंपॉर्टेंस समझ में आई, राइट? कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए और हम अपनी बॉडी को दे कितना रहे। सो देयर इज अ गैप, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल गैप। ये गैप जो है एक दिन, एक महीना, एक आध कुछ टाइम के लिए बॉडी मैनेज करती है, बट जब ये गैप लगातार और लंबे समय तक रहता है तो प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हमारे बॉडी में होने वाले थे वो
वो सब कहीं ना कहीं इफेक्ट होने लगते हैं। इंसुलिन हार्मोन कम बनेगा, परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। सो हमारी जो ऑप्टिमम हेल्थ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलने वाली। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये जो 50 ग्राम 30 से 40 ग्राम प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है, इसको आप कैसे कवर अप कर सकते हैं? खाने से कवर अप कर सकते हैं? अगर आप खाने से कवर अप कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर आप एक गिलास दूध की जगह 10 गिलास दूध पिए, कम से कम 10 कटोरी दाल एंड 10-20-30 रोटी खाएं, है ना, 5-10 अंडे खाएं, मतलब बहुत जबरदस्त डाइट लें, इतना सारा खाना खाएं, तब शायद आपको 60-70 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। बट अगर इतना खा भी लिया तो उसको डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। सो इट्स अ बिग चैलेंज। तो इसके सोल्यूशन क्या निकाला? सोल्यूशन ये निकाला कि इतना सारा खाना ना खाना पड़े, इस खाने से जो भी फूड है उससे हम प्रोटीन को आइसोलेट कर लें और सप्लीमेंट में कन्वर्ट कर दें, अच्छे नेचुरल सप्लीमेंट में कन्वर्ट कर दें। तो इट बिकम वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी फॉर एवरी वन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए? देयर आर सो मेनी सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सारी कंपनियां अपने अपने सप्लीमेंट को बहुत अच्छा बताती हैं, बट कौन सा अच्छा है? गो फॉर नेचुरल वन, राइट? सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज वेस्टीज प्रोटीन पाउडर। ये एक 100% प्योर प्रोटीन पाउडर है। ये प्योर सोया और मिल्क से तैयार किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ सोया एंड मिल्क। 82% प्रोटीन होता है। नो कलर, नो फ्लेवर, नो प्रिजर्वेटिव। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज गॉट 82% प्रोटीन। मींस एवरी 10 ग्राम कंटेन 8.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एंड ये इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि इसके अंदर, इसको जब आप कंज्यूम करेंगे तो इट इज एब्जॉर्ब इन योर बॉडी, इजिली डाइजेस्टेबल है ये, राइट? अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 200 ग्राम, ये 200 ग्राम में भी आता है, 500 ग्राम में भी आता है। इट्स कॉस्ट अराउंड 700-800 रुपीज, 700-800 रुपए 200 ग्राम, हाफ केजी अराउंड 1400 रुपीज हाफ केजी। पीपल फाइंड इट्स वेरी कॉस्टली समटाइम्स, बिकॉज मार्केट में जो बॉर्नविटा होलिक्स मिल रहे होते हैं उनको लगता है 100-200 रुपए में मिल गया मार्केट में, इट्स वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, आप आज घर पर बैठ के, आपके घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं और बच्चे अगर बड़े भी हो गए हैं, आपके घर में कहीं ना कहीं ये सारे बॉटल्स प्रोडक्ट्स रखे होंगे, आपकी किचन में आपने सजा के रखे होंगे, कभी आपने इसके लेबल पर चेक किया कि आप जो प्रोटीन अपने बच्चों को दे रहे हैं, पाउडर अपने बच्चों को पिला रहे हैं पिछले कितने सालों से, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है प्रोटीन की? यू विल बी सरप्राइज। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अमूल प्रो का। आउट ऑफ दिस 100 ग्राम में यू विल बी सरप्राइज कितना प्रोटीन है, ओनली 8 ग्राम प्रोटीन। हाउ मच? अमूल प्रो के 100 ग्राम के डिब्बे में आउट ऑफ 100 ग्राम, लेबल पे लिखा हुआ है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यू चेक इट आउट हियर, जब भी आप मार्केट जाएं, शॉपिंग करने जाएं, आप घर में देखें, 100 ग्राम में यू विल गेट 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ओनली 8 ग्राम प्रोटीन, एंड रेस्ट 82 ग्राम, 70-80 ग्राम चीनी है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, एंड रेस्ट चॉकलेट पाउडर एंड फ्लेवर्स। आपको क्या लग रहा है? टीवी पे बहुत बड़े फैंसी एड्स आते हैं, जीतने की तैयारी एंड तरह तरह के एड्स आते हैं। अगर ये प्रोडक्ट इतने इफेक्टिव होते थे तो ओलंपिक में सबको पिलाना चाहिए था, क्योंकि इनसे ताकत आ जाती है। हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है। हम मार्केट में सोना खरीदने जाते हैं तो कैरेट चेक करते हैं कि वो से कितने कैरेट का है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेने जाते हैं तो हम ISI मार्क का चेक करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू आर बाइंग एनी फूड आइटम, जस्ट चेक इट आउट, उसके लेवल पर चेक करें कि जो प्राइस आप पे कर रहे हैं क्या उतनी क्वांटिटी में वो न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, क्या वो उतनी स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। क्यों बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है? क्यों बच्चों के अंदर कैविटीज बढ़ रही है? बिकॉज हम अपने बच्चों को चीनी, शुद्ध चीनी पिला रहे हैं। 100-150 रुपए का आता है, 100 ग्राम में 7 ग्राम प्रोटीन है, जस्ट इमेजिन करिए, राइट? एन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी को बहुत जरूरी है वो तो है ही नहीं है इसके अंदर। आप लेवल पर चेक कर लेंगे, यू वॉन्ट फाइंड एनी काइंड ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट? सो अगर हम कंपैरिजन करें कि वेस्टीज प्रोटीन पाउडर और मार्केट में विच इज बेटर फॉर योर हेल्थ, यू हैव टू डिसाइड। वेस्टीज के 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर में 8.2 ग्राम प्योर प्रोटीन, आउट ऑफ 10 ग्राम हाउ मच इट इज 8.2 ग्राम प्योर प्रोटीन, राइट? एंड कॉस्ट इज अराउंड 30 रुपीज। व्हेयरएज इन मार्केट ब्रांड 100 ग्राम पूरा डब्बा है, उसके अंदर मात्र 7 ग्राम प्रोटीन, ओनली 7 ग्राम। अपना एक डब्बा पूरा एक दिन में अगर अपने बच्चे को पिलाएंगे तब उसको 7 ग्राम मिलेगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये पूरा डब्बा महीने भर चलने वाला है। So we are under wrong impression. मेरा आपसे सवाल है, बस चेक करिएगा, 30 रुपीज में 8.2 ग्राम प्रोटीन सस्ता है या 100 रुपए में मात्र 7 ग्राम? यू विल बी सरप्राइज। मार्केट से जो हम ये प्रोटीन पाउडर के डब्बे लेके आ रहे हैं, इनडायरेक्टली हम 700-800 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हैं मार्केट से। जो 40-50 रुपए किलो चीनी हमें मिल सकती है पड़ोस की दुकान पर, हम चॉकलेट फ्लेवर वाली चीनी 800 रुपए किलो खरीद रहे हैं। वी आर वेस्टिंग आवर मनी लिटरली। इससे बढ़िया कि हम कुछ ना ही दे वो बेहतर है अपने बच्चों के लिए। अगर देना है अपनी फैमिली के तो चूज द बेस्ट, राइट? इट्स गॉट प्योरेस्ट प्रोटीन, नो कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव। यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है, बिकॉज इसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई फ्लेवर नहीं होता। आप खाने पीने की किसी भी चीज में मिक्स कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एंड यू कैन एंजॉय। आटे में डाल के रोटियां बना सकते हैं,
फ्रूट जूस में डाल सकते हैं, मिल्क में, एनीथिंग, किसी में भी ऐड कर सकते हैं आप इसे. सो दिस इज अबाउट प्रोटीन. नाउ आई एम कमिंग टू द विटामिंस एंड मिनरल्स. अवर ह्यूमन बॉडी नीड्स 13 विटामिन 11 मिनरल्स ऑन अ डेली बेसिस. 13 विटामिन 11 मिनरल आपको पर डे चाहिए. एंड एज पर गाइडलाइंस इतना सारा विटामिन और मिनरल लेने के लिए कम से कम 7 से 8 सर्विंग्स, लगभग 8 से 10 प्लेट आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल लेना होगा. डिफरेंट डिफरेंट कलर का, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी का एवरी डे लेना होगा. ईमानदारी से अपने आप से पूछिएगा, क्या आप पर डे इतने फ्रूट्स ले पा रहे हैं, इतने वेराइटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल ले पा रहे हैं? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो नहीं ले पा रहा था. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इतना टाइम नहीं है. मार्केट में जाऊंगा, कलेक्ट करूंगा, और अगर ये फ्रूट्स ही खिलाने शुरू किए शुरुआत में तो बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरेगा? कोई भी फ्रूट 100-150-200 रुपए किलो से कम नहीं है, और उसकी प्योरिटी की कोई श्योरिटी नहीं है. तो पैसा भी खर्च करेंगे लेकिन उसके अंदर इतना केमिकल प्रिजर्वेटिव वैक्स लगा के रखा हुआ है, कोई श्योरिटी नहीं है. सो एक बिग चैलेंज कि पैसा भी खर्च करने के बाद हमें क्वालिटी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा. इस पर बहुत रिसर्च किया गया कि कोई एक ऐसा नेचुरल अल्टरनेटिव मिले जहां पर हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन एक जगह मिल सके. एंड द गुड न्यूज इज दैट नेचर में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर ये जितना विटामिन मिनरल हमें चाहिए डेली बेसिस पर वो सारा कुछ मिलता है. जानना चाहेंगे आप? यस. सो हियर इट इज स्पिरुलिना. स्पिरुलिना इज बेसिकली एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है. ये समुंदर में पाई जाती है, जो हमारा सी होता है समुंदर के अंदर गहराई के अंदर एक ग्रीन कलर का एक काई होता है, राइट? स्पिरुलिना की खोज कैसे हुई? स्पिरुलिना का पता चला टॉर्टोइस से. टॉर्टोइस जो है ना, टॉर्टोइस की एवरेज एज होती है 200 ईयर्स प्लस, 200-250 साल की उम्र होती है. तो जब साइंटिस्ट ने या रिसर्च किया गया कि ये टॉर्टोइस इतने साल कैसे जिंदा रहता है, तब उन्होंने पाया कि टॉर्टोइस मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रीन कलर की एल्गा को कंज्यूम कर रहा होता है. दैट्स व्हाई ही लिव्स सो लॉन्गर. तब उस पर रिसर्च किया गया कि इस एल्गा के अंदर ऐसा क्या क्या न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से ये इसकी इतनी ज्यादा लाइफ होती है. देन साइंटिस्ट फाइंड्स कि इस अर्थ पर जब हम और आप, ये दुनिया नहीं आई थी, राइट, ये पूरी प्रकृति नहीं बनी थी, तब से लेके आज तक ये एल्गी एज इट इज है. इसी से ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, यूनिवर्स में गया, मतलब एनवायरनमेंट में गया, और इसके बाद फिर बहुत सारे चेंजेस हुए और पूरा लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट किया. तो नेचर ने इसके अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से सारा न्यूट्रिशन डाला हुआ है. स्पेस के जो आप एस्ट्रोनॉट देख रहे हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, यू जस्ट टाइप ऑन गूगल नासा साइंटिस्ट डाइट, यू विल फाइंड स्पिरुलिना इन देयर डाइट. जस्ट इमेजिन, नासा के साइंटिस्ट स्पिरुलिना को अपनी डाइट में यूज कर रहे हैं. वो कोई ऐसी वैसी चीज तो यूज नहीं कर सकते. नासा वर्ल्ड टॉप मोस्ट एस्ट्रोनॉट ऑर्गेनाइजेशन. तो अभी तक ये जो स्पिरुलिना था कुछ लिमिटेड लोगों के यूज के लिए था, रिसर्च के लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए. बट इंडिया में वेस्टीज ने इसकी वैल्यू समझी और इसको कमर्शियल प्रोडक्शन किया गया. कमर्शियल प्रोडक्शन किया था साउथ इंडिया में, जहां पर कोस्टल एरिया है, ह्यूमिड है और गर्मी थोड़ा सा रहता है, वहां पर बड़े बड़े पॉन्ड्स बना के इसकी कमर्शियल फार्मिंग करी जाती है, और वहां पर प्यूरीफाई करके कंसंट्रेट करके कैप्सूल में बॉटल में बंद करके हमें और आपको अवेलेबल होता है, राइट? व्हाई स्पिरुलिना इज सो पावरफुल. अगर आप स्पिरुलिना की ताकत समझें कि इसके अंदर कितना न्यूट्रिशन होता है, तो एक तरफ हमने अगर हम वेइंग स्केल पकड़े, तराजू पकड़े, तराजू में एक तरफ अगर 1000 kg डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल रखें, तराजू के दूसरी तरफ अगर 1 kg स्पिरुलिना पाउडर रखते हैं, तो दिस 1 kg स्पिरुलिना पाउडर हैज गॉट मच मोर न्यूट्रिशन दिस 1000 kg फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर फूड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. प्रोटीन में सोयाबीन से 2 गुना अधिक होता है. 13 विटामिन मिनरल्स इसके अंदर होते हैं. आयरन, पालक जो हम खाते हैं उससे 8 गुना अधिक आयरन होता है. किसी को भी अगर एनीमिक कंडीशन है, हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है, वीकनेस, टाइटनेस रहती है, जस्ट कंज्यूम स्पिरुलिना एंड सी द मैजिक इन जस्ट 2 वीक्स. विटामिन ए जो आंखों के लिए बहुत जरूरी है, गाजर से 25 गुना अधिक होता है. देर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया जिनके चश्मे के नंबर कम हो गए बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल नेचुरल प्रोडक्ट, राइट? सो इतना सारा न्यूट्रिशन है. द बेस्ट पार्ट इज दैट कि नेचुरली इसके अंदर इतना सारा न्यूट्रिशन होता है. द क्वेश्चन इज दैट हु कैन कंज्यूम, कौन कौन स्पिरुलिना ले सकता है? तो आप देख रहे हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, प्रेग्नेंट लेडीज, सीनियर सिटीजन, वेजिटेरियन, बिजी प्रोफेशनल्स, एनी बडी हु इज कॉन्शियस फॉर हिज और हर हेल्थ. जो भी अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, अपने स्टेमिना को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी डाइट में जो विटामिन मिनरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से नहीं मिल पा रहा है, डेली फ्रूट्स नहीं ले पा रहे हैं आप, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू सप्लीमेंट योर डाइट विद स्पिरुलिना, राइट? क्या क्या बेनिफिट है? शरीर को अंदर से मजबूत करता है. जनरली लोगों को देखा है मैंने कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, घर पे भी काम कर रहे हैं, 3-4 बजे 5 बजे के आसपास लेथार्जिक लगते हैं कि सर आप आलस आ रहा है, 1-2 घंटे रेस्ट चाहिए, तो चाय, कॉफी या कुछ भी समथिंग ऐसा लेने की बात होती है. मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप स्पिरुलिना कंज्यूम करना शुरू करेंगे एंड यू सी द मैजिक, इन 2-3 वीक्स आपका एनर्जी लेवल जबरदस्त होगा. यू विल फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे.
कमजोरी, थकावट, वीकनेस, कम हाथ पैर दुख रहे थे, थकावट लग रही थी, वो खत्म हो जाएगी। ये बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। रिमेंबर, जस्ट वापस जाएं, मैंने आपसे बात करी थी कि हमारे डाइट में जो पोल्यूशन और केमिकल्स, टॉक्सिन जा रहे होते हैं, स्पिरुलिना के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को डेली बेसिस पर क्लीन कर रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन, जब आपकी बॉडी डेली बेसिस पर इंटरनली क्लीनिंग होगी और आप जो न्यूट्रिशन या फूड कंज्यूम करेंगे वो आपकी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा, द काइंड ऑफ एनर्जी लेवल यू विल हैव, जस्ट अमेजिंग आई एम टेलिंग यू। सो बॉडी को अंदर से क्लीन करने में आपको हेल्प करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, एंड इट गिव्स यू बेटर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिवेंट कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने में मदद करता है। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। अगर इसकी मैं कॉस्ट की बात करूँ, स्पिरुलिना का जो एक बॉटल होता है, इसमें 100 कैप्सूल्स होते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ दिस 300 कैप्सूल बॉटल इज 350 रुपए की बॉटल होती है। मतलब एक कैप्सूल की कॉस्ट है 350 रुपए, 3.5 रुपीज। 3.5 रुपए में आज की डेट में इंडिया में अगर आप लेने जाते हैं, तो ऐसा कौन सा फ्रूट है, वेजिटेबल है, ऐसी कौन सी डिश है इंडिया में जो आपको इतना सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है? मुझे तो आज तक नहीं मिली। सो इट इज द बेस्ट वे, एक बहुत ही आसान कन्वीनियंट तरीका है, अपनी डाइट में अगर आप ये ऐड कर लेते हैं, एंड यू कैन एंजॉय द ट्रेमेंडस बेनिफिट ऑफ दिस वंडरफुल प्रोडक्ट। राइट नाउ वन मोर थिंग इज देयर, बिकॉज अभी हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रेंथ करना है, तो सीबकथॉर्न जो होता है, सीबकथॉर्न के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी जो है, राइट, ये बहुत हाई क्वांटिटी में होता है। अभी भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट यू शुड कंज्यूम 1000 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी ऑन अ डेली बेसिस टू मेंटेन योर हेल्थ, टू मेंटेन योरसेल्फ हेल्दी, आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने के लिए। इस सीबकथॉर्न अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो इसके अंदर इतने सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, पावर पैक न्यूट्रिशन है, सुपर फूड है, ये जबरदस्त चीज है। तो यू कैन ऐड दिस सी बकथॉर्न टू कंप्लीट विटामिन, मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट। सो एज अ होल आपकी बॉडी को प्रोटीन आपने कंप्लीमेंट कर लिया, एंड विटामिन एंड मिनरल्स। मूविंग फॉरवर्ड, इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे सी बकथॉर्न से? हाई एनर्जी एंड स्टेमिना विल गेट, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए फिनोमिनल है, ये डाइजेशन सिस्टम के लिए। सो बेसिकली इट्स अ कंप्लीट हेल्थ टॉनिक फॉर योर फैमिली, राइट? 18 ईयर एंड अबव पीपल जो भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाह रहे हैं, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन चाह रहे हैं, तो सी बकथॉर्न इज बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, राइट? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी सीरियस डिजीज, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो बहुत तेजी से हमारे देश में हमारे लोगों को फैल रही है, दैट इज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। आज हर दूसरे, कभी भी किसी से बात करो, सर कैसे हैं, बहुत बढ़िया है, बस कुछ नहीं, बीपी की गोली ले रहा हूँ, एक गोली लेता हूँ सुबह, डायबिटीज की गोली लेता हूँ सुबह शाम। मतलब लोगों ने मतलब इसको ऐसा समझ लिया कि चलो ठीक है, इसी के साथ जीना है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस बीपी इज ऑल अबाउट। ये हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों, क्यों और तीसरा चौथा इंसान हिंदुस्तान में बीपी की दवाइयां ले रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे? ये जस्ट सीरियस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक जब हम पैदा हुए थे तो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था, हमारी आर्टरीज पूरी क्लीन थी, बट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी एज बढ़ती है, हमारी आर्टरीज के अंदर, ये जस्ट सी द इमेज, मेरा कर्सर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक कोलेस्ट्रॉल की एक परत है, येलो कलर का जो कोलेस्ट्रॉल का परत है, ये धीरे धीरे करके डिपॉजिट होता जाता है, डिपॉजिट होता जाता है। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब ये डिपॉजिट जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो आपकी आर्टरी का जो डायमीटर था, आपकी जो आर्टरी थी, इसका जो डायमीटर था वो कम हो जाएगा, पैसेज का जो रास्ता था कम हो जाएगा, सकड़ी हो जाएगी, और उस वक्त क्या होगा, आपके हार्ट को, ब्लड को जो पंप करना था, उसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो बीपी बढ़ने का सबसे बेसिक प्राइमरी रीजन क्या है, आपकी आर्टरीज का नैरो होना। आर्टरी नैरो क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी आर्टरीज के अंदर एक बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। अभी बैड कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से, बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है हमारी लाइफस्टाइल से, हम जो घर में घी तेल डालडा खा रहे होते हैं, हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे होते हैं, तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल दैट इज एलडीएल, ये डिपॉजिट हो रहा है पूरा। अब जब आपको, जब ये डिपॉजिट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हम जाते हैं फिजिशियन के पास और हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बीपी चेक करवाते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। बहुत सी बार आपने देखा होगा, एक यंग इंडिविजुअल है, 35-40 ईयर्स का बंदा है, घबराहट बेचैनी हो रही थी, फिजिशियन के पास गया और उन्होंने उसका बीपी चेक किया, थोड़ा सा बीपी बढ़ा निकला, लेकिन ईसीजी निकाला तो ईसीजी नॉर्मल निकला, ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल निकली। क्यों निकली नॉर्मल? क्योंकि जब ईसीजी करते हैं तो हम पेशेंट को लेटा के ईसीजी कर रहे होते हैं, राइट? जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो आपकी हार्ट की बीट नॉर्मल होती है, ईसीजी रिपोर्ट इज नॉर्मल। अब देख, सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में आप क्या कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। अब आपका ब्लड टेस्ट क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट जब आप कराते हैं तो क्या होता है, आपका ब्लड सैंपल निकाला जाता है।
एंड आपकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है। जस्ट इमेजिन करिएगा, जब आपका ब्लड सैंपल निकाला जाता है तो उस ब्लड सैंपल में आपको क्या पता चलने वाला है, उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके ब्लड में डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल कितना था, घुली हुई मात्रा में कितना कोलेस्ट्रॉल था, वो क्वांटिटी आपको पता चलती है। वो कोलेस्ट्रॉल जो आपकी आर्टरीज के अंदर चिपका हुआ था, जिसकी वजह से ब्लॉकेज था, वो तो पता ही नहीं होता, वो डायग्नोज ही नहीं होता। और पता चलता है कि वो इंडिविजुअल जिसकी ECG रिपोर्ट नॉर्मल निकली, जिसका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल निकला, आने वाले 10-15 महीने भर के बाद हार्ट अटैक आता है, इज नो मोर, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, पर उसको हार्ट अटैक और ये सब प्रॉब्लम आगे चला बसा। पता है क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम थी, जो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल था, जो ब्लॉकेज था, वो डायग्नोज ही नहीं किया। एंड दिस डिपॉजिट फैट इज कॉल्ड विसरल फैट, आई एम टेलिंग यू। इस विसरल फैट को डायग्नोज करने के लिए मेडिकल इंडस्ट्री में कोई डिवाइस नहीं है इनिशियल लेवल पर। इसको डायग्नोज करते हैं एडवांस लेवल पर, MRI और CT स्कैन से करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड कराडा स्कैन, कराडा स्कैन एक डिवाइस होती है, विद द हेल्प ऑफ कराडा स्कैन हम इस विसरल फैट को डायग्नोज कर सकते हैं, इसको पता कर सकते हैं कि आपके बॉडी में कितना विसरल फैट है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस फैट डिपॉजिट इनसाइड योर बॉडी। हमारा जो ट्रंक एरिया होता है, राइट, हमारे बॉडी में फैट दो तरीके से डिपॉजिट होता है, एक अंडर द स्किन, जो आपकी स्किन के नीचे डिपॉजिट होता है, दिस फैट इज कॉल्ड विसरल फैट, ये कोई हार्मफुल नहीं करता। दिस फैट इज कॉल्ड सबकुटेनियस फैट, स्किन के नीचे जो डिपॉजिट फैट होता है दैट इज कॉल्ड सबकुटेनियस फैट। बट जो फैट आपकी कीवर मतलब आपके विजरल ऑर्गन्स के ऊपर, आपके वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर डिपॉजिट होता है, उसको हम बोलते हैं विजरल फैट। आप गूगल करें विजरल फैट के बारे में, यू विल फाइंड इट इज द मोस्ट डेंजरस हिडन डेंजरस फैट इनसाइड योर बॉडी। इसका कोई टेस्ट नहीं सुना होगा आज से पहले आपने। विजरल फैट ही वो फैट है जिसकी वजह से लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, विजरल फैट ही वो फैट है जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक, ब्लॉकेज और जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस विसरल फैट और इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। बट पहले बात ही करते हैं कि जो बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ने का रूट कॉज क्या था, हमारी आर्टरी का ब्लॉकेज होना। अब जब बीपी बढ़ता है तो हम फिजिशियन के पास जाते हैं, वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। मेडिसिन क्या करती है, कोई भी जो हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहे होते हैं वो मेडिसिन रूट कॉज पर काम नहीं कर रही होती। रिमेंबर वन थिंग, जो भी आपकी फैमिली में जिसको भी हाइपरटेंशन है, वो जो बीपी की टेबलेट आप ले रहे हैं वो रूट कॉज पर काम नहीं कर रही होती। वो सिर्फ क्या करती है, आपकी आर्टरी जो नैरो थी उस आर्टरी के डायमीटर को उसने बढ़ा दिया। आर्टरी अभी नैरो थी, अब आर्टरी के डायमीटर को उसने बढ़ा दिया। पहले कम था डायमीटर, उसके डायमीटर को, आर्टरी का डायमीटर पहले कम था, अब आर्टरी के डायमीटर को बढ़ा दिया। अब जब आर्टरी का डायमीटर बढ़ जाएगा तो क्या होने वाला है, आपके हार्ट को ब्लड को पंप करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। सो कोई भी बीपी पेशेंट होता है, जब वो टेबलेट कंज्यूम कर रहा होता है तो उसका बीपी, उसे लगता है मेरा नॉर्मल है। पर कब तक लगता है, जब तक उस टेबलेट का इफेक्ट है उसकी बॉडी के अंदर। जैसे ही उस टेबलेट का असर खत्म होता है, आपकी जो आर्टरी थी वो फिर दोबारा से नॉर्मल कंडीशन पे सिकुड़ जाती है और फिर घबराहट बेचैनी होने लगती है। आपने देखा होगा जो भी बीपी पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर बोलता है कि आप एक बार खाना मत खाना लेकिन बीपी की टेबलेट मिस मत करना। क्यों बोलता है वो, बिकॉज वो बीपी की टेबलेट सिर्फ उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रही है, रूट कॉज पे काम नहीं कर रही होती। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बार और अपने आप से सवाल करिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है। आज की डेट में जो बीपी शुगर थायराइड के जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है दोस्तों। एक बहुत ही, आई एम नॉट अगेंस्ट द मेडिकल साइंस, आई एम नॉट अगेंस्ट द डॉक्टर्स एक्चुअली, आई डू रिस्पेक्ट, लेकिन एक पूरा गेम प्लान है उनका, एक ही इंटेंशन है। पता है क्या, मर्ज भी जिंदा रहना चाहिए और मरीज भी जिंदा रहना चाहिए। आई रिपीट, मर्ज भी जिंदा रखना है और मरीज भी जिंदा रखना है। क्योंकि अगर मर्ज ठीक कर दिया तो फिर पैसा कैसे आएगा आपको। अगर परमानेंट क्योर कर दिया, आप ठीक हो गए, तो हर महीने जो आप दवाइयां लेने जाते हैं, हर महीने जो आप चेकअप कराते हैं, वैसे पैसा कैसे आएगा उनके पास। यू आर अ रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन फॉर देम, आई एम टेलिंग यू। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस डिजीज को क्रोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये मर्ज भी जिंदा रहेगा और मरीज भी जिंदा रहेगा। सो लाइफ टाइम हम पैसा कमाएंगे इस बंदे से। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ बिटर ट्रूथ ऑफ दिस मेडिकल इंडस्ट्री। आप समझिएगा, ट्रीटमेंट अगर हम कराते होते या जो हम बीपी शुगर की टेबलेट ले रहे होते हैं, 4-6 महीने के बाद आपकी दवाई बंद हो जानी चाहिए। पर ऐसा होता है क्या, एक बार अगर आपकी टेबलेट शुरू होती है तो धीरे धीरे करके आपके नंबर ऑफ टेबलेट्स बढ़ते जाते हैं और आपकी दवाइयों के डोसेज बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपकी बीमारी भी बढ़ती जा रही है, आपकी दवाइयों के डोज भी बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ते जा रहे हैं। सो वॉट एक्जैक्टली मेडिसिन इज गोइंग टू डू विद यू, क्या कर रही है दवाई आपके साथ में, आपका सिर्फ मनोरंजन, एंटरटेनमेंट हो रहा है सर। अब नाउ लिसन,
अब ये बीपी की टेबलेट आपने खा ली, जब तक असर रहता है तब तक ठीक चलता है, आफ्टर 2 years 4 years के बाद, 5-10 सालों के बाद, क्योंकि ये डिपॉजिट होने की जो प्रोसेस है, यहाँ पर टेबलेट कुछ नहीं कर रही, ये तो जारी है ना, 5-10 साल के बाद जब ब्लॉकेज होता है तो खबर आती है कि सर हार्ट अटैक आ गया। क्या हो गया? हार्ट अटैक आ चुका है। हार्ट अटैक आने पर क्या होता है? ये दो बहुत फेमस ट्रीटमेंट चल पड़े हैं हमारे देश में, आइदर डू एंजियोप्लास्टी और बाईपास। या तो एंजियोप्लास्टी कर दीजिए या फिर बाईपास। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एंजियोप्लास्टी इज ऑल अबाउट। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी आर्टरी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं येलो कलर का जो ब्लॉकेज है, राइट, ये आपकी आर्टरी नैरो हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की वजह से। अब हमारी आर्टरी में क्या होने वाला है, हमारी आर्टरी के अंदर, यहाँ से आई विल शो यू वन वीडियो हाउ इट वर्क्स, राइट। See how it is going? Angioplasty कैसे होती है? Angiography पहले, angiography एक procedure होता है। Angioplasty करने के पहले angiography करी जाती है, जहां से पता करते हैं कि आपकी किस artery में कितने % blockage है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये artery आपकी blood flow हो रहा है, ये blockage है। अब हमें क्या करा जाएगा? हमें आपके blood में एक यहां से आपकी radial artery से या पैर की artery से आपके body के अंदर एक प्रोब डाला जाएगा, एक कैथेटर प्लेस किया जाएगा और उसको एक कंप्यूटर स्क्रीन पर मॉनिटर किया जाता है एंड सी व्हाट हैपेंस। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये कैथेटर लगाया, कैथेटर के अंदर एक गाइडेड वायर डाला जाएगा हमारे बॉडी में। ये देखिए वायर गया, अब इस वायर को हमारे हार्ट के ऊपर एक प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी प्रोसेस को वो स्क्रीन पर मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आपकी जो कोरोनरी, आपके हार्ट को जो सप्लाई करने वाली 3 major arteries होती है, किस आर्टरी में कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है, ये देखिएगा। तो जैसे ही हमारे बॉडी में जो कलर होता है, कॉन्ट्रास्ट डाई जो इंजेक्ट करी गई, जैसे जैसे मूव करती है, जहां पर वो फैल नहीं पाती है वहां पता चल जाता है, सी हियर इट इज, यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज अ ब्लॉकेज जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया हुआ है। नाउ अंडरस्टैंड, इस ब्लॉकेज को कैसे खोला जाता है, इस ब्लॉकेज को कैसे खोलते हैं स्मार्ट तरीके से। आपके आपके बॉडी के अंदर वायर तो डाला हुआ था, अब इस वायर के ऊपर अभी आप देखेंगे एक ग्रे कलर का बलून होता है, ये जो देख पा रहे हैं ये बलून है इसके ऊपर। अब इस बलून के बाहर से हवा भरी जाएगी तो ये इन्फ्लेट होगा और डिफ्लेट होगा, मतलब ये बलून फैलेगा और पिचकेगा। जैसे ये बलून फैलता है तो आपकी आर्टरी का ये डायमीटर देखिए बढ़ जा रहा है। ये प्रोसेस करने से क्या हो रहा है, टेम्परेरी, इट्स नॉट अ परमानेंट प्रोसेस, टेम्परेरीली आपकी आर्टरी का डायमीटर फैल जाता है, जिससे जो ब्लड का फ्लो रुक गया था वो ब्लड का फ्लो नॉर्मल होने लगता है। लेट्स सी, आप पूरी प्रोसेस में आप देखिएगा, ये पुराना डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल एज इट इज जमा हुआ है। नाउ चूंकि हमारी आर्टरीज बहुत डेलिकेट होती हैं, अगर आप वायर निकाल लेंगे तो फिर से वो पुरानी पोजीशन पर आ जाएगी। तो इस आर्टरी को परमानेंट खोल के रखने के लिए यहाँ पर एक मेटल का जो वायर आप देख पा रहे हैं, ये मेटल का जो मैस है, दैट इज कॉल्ड स्टेंट। अभी इस स्टेंट को यहाँ पर ब्लॉकेज की जगह प्लेस कर दिया जाएगा और वायर को निकाल लिया जाएगा। जस्ट सी हाउ दे आर डूइंग दिस स्टेंट प्लेसमेंट। ये देखिएगा, यहां पर उन्होंने स्टेंट को प्लेस कर दिया, ये स्टेंट प्लेस हो गया, अब इस वायर को यहां पर निकाल लेंगे, देन दिस इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। प्रोसीजर इज डन। कितना पैसा खर्च करते हैं हम एंजियोप्लास्टी पे? एटलीस्ट 2-3 lakh rupees। 2-3 lakh rupees खर्च करने के बाद भी आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला, परमानेंट प्रॉब्लम का टेम्परेरी सोल्यूशन दे दिया गया। एक और सवाल आप अपने आप से पूछिएगा, क्या एंजियोप्लास्टी कराने के बाद आपकी दवाइयां बंद हो जाती हैं? नहीं होती। पहले एक गोली चल रही होती है, एंजियोप्लास्टी के बाद 4 नई मेडिसिन और ऐड कर दी जाती हैं। सी व्हाट इज हैपनिंग विद यू, क्या कर क्या रहे हैं आपके साथ में? अगर ट्रीटमेंट ही करना था तो कुछ ऐसा करते कि हमारी मेडिसिन कम होनी चाहिए थी, हमारे कॉम्प्लिकेशन कम होने चाहिए थे, बट होल्ड आ रहा है बिकॉज जो भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रहा है, राइट। नाउ एंजियोप्लास्टी के बाद क्या इंसान की रूटीन लाइफ नॉर्मल हो जाती है? नो, मेडिसिन उसे खानी पड़ती हैं, पर डिपॉजिट होने का जो प्रोसेस है वो तो जारी है क्योंकि उसके लिए कोई मेडिसिन है ही नहीं है। तो आफ्टर 5-10 years ऑफ एंजियोप्लास्टी, सी व्हाट हैपेंस, अब सेकंड हार्ट अटैक आएगा। सेकंड हार्ट अटैक आता है, फिर फिजिशियन के पास जाते हैं, वो बोलता है कि बॉस 80-90% ब्लॉकेज है, नो चांस ऑफ एंजियोप्लास्टी, क्या करना होगा? आपकी बॉडी में एक बाईपास रास्ता बना देते हैं। यू जस्ट सी दिस सेकंड इमेज। हर सिटी के अंदर, जब सिटी में ट्रैफिक ज्यादा होता है, सिटी के बाहर एक बाईपास ट्रैक बना दिया जाता है कि जब आप ट्रैफिक ज्यादा होता है तो आप बाईपास से सिटी के अंदर ट्रैफिक में नहीं जाना होगा, बाहर की बाहर निकल सकते हैं। सेम वे आपके बॉडी में आपके पैर से एक आर्टरी कट करेंगे
और यहाँ पर एक बाईपास रास्ता क्रिएट कर देंगे. दिस इज कॉल्ड CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी. कॉस्ट इज ओनली 5 लाख रुपीज. अब इन्होंने जो बाईपास रास्ता क्रिएट किया आपके बॉडी में, आपको क्या लगता है यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होगा, यहाँ पर ब्लॉकेज नहीं होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा? बोले अब उसके बाद आपके जाने की उम्र हो चुकी होगी. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, मेरा बताने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि ये इतनी जबरदस्त बीमारी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज, मतलब इतना बीमारी को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि रूट कॉज पर काम ना करते हुए सिर्फ सिम्टोमेटिक आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा. अगर हमें या आपको कुछ एक ऐसा सोल्यूशन मिलता है जिससे हमारे आर्टरी के अंदर, जिससे हमारे आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज होने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही ब्लॉक हो जाए और पुराना डिपॉजिट जो कोलेस्ट्रॉल है ये गल के बाहर निकल जाए, तो क्या लगता है आपको हमें इतने महंगे प्रोसीजर कराने पड़ेंगे? आई डोंट थिंक सो. इतने महंगे प्रोसीजर नहीं कराने पड़ेंगे. और हमारी जो हार्ड एंड मनी है, जो लाखों रुपए हमने अपने परिवार, बच्चे के लिए, बेटी की शादी के लिए कमाया होता है, वो एक झटके में इन प्रोसीजर में चला जाता है. तो गुड न्यूज ये है कि आयुर्वेदा में, इंडिया में इसका सोल्यूशन है. जानना चाहेंगे क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन इज फ्लेक्स. सोल्यूशन क्या है? ओमेगा 3 है दोस्तों. हमारे दो तरह के फैट होते हैं, एक बैड फैट होता है जो LDL होता है, एक गुड फैट होता है जो HDL होता है. जो गुड फैट होता है, गुड फैट जो होता है वो ओमेगा 3 होता है. ओमेगा 3 जो फैट होता है वो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती. ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज ओमेगा 3, दैट यू हैव टू टेक फ्रॉम फूड ओनली. आप याद करें आपने लास्ट टाइम कब ओमेगा 3 कंज्यूम किया था. ओमेगा 3 मिलता किसमें? ओमेगा 3 मिलता अखरोट के अंदर, ऑलिव ऑयल के अंदर, फ्लैक्स सीड्स के अंदर, सेलमोन फ्लेक्स के अंदर. दीज आर द 4 थिंग्स. ये 4 ऐसी चीजें हैं जिसमें ओमेगा 3 सफिशियंट क्वांटिटी में मिलता है. क्या आप डेली बेसिस पर ओमेगा 3 ले पा रहे हैं? याद करें आपने अखरोट कब खाए थे, कब ऑलिव ऑयल कंज्यूम किया था. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग अखरोट, ऑलिव ऑयल, कुछ नहीं ले पा रहे हैं. तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि जब से हम पैदा हुए और आज तक हमारी डाइट में हमने ओमेगा 3 लिया नहीं, और ना लेने की वजह से धीरे धीरे करके इतना बड़ा डिपॉजिट हो गया. अगर आप बचपन से शुरू से ही ओमेगा 3 लेते थे तो इतना डिपॉजिट होता ही नहीं, और डिपॉजिट नहीं होता तो फिर काय का हार्ट अटैक, काय की बीपी की प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होने वाला था आपको. बट अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी हमारे पास सोल्यूशन है. अगर आप इन नेचुरल चीजों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, अगर आप अखरोट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात, 1000 रुपये kg आता है. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कंज्यूम करें, बढ़िया मुट्ठी भर के अखरोट खाएं, 4-6 पीस लें. ऑलिव ऑयल 700 रुपये लीटर आता है, अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लीजिएगा. लेकिन अगर सबसे बेस्ट इकोनॉमिक एंड बेस्ट सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो जो फ्लेक्स सीड्स होते हैं, अलसी जो होता है, इट हैज गॉट रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3, राइट. ये बहुत हाई क्वांटिटी में इसमें ओमेगा 3 होता है. बट देयर आर सो मेनी पीपल जिनको लगता है सर मैं ओमेगा अलसी रोज खाता हूँ. कितना अलसी खाएंगे आप? एक चम्मच अलसी खाने से क्या लगता है आपका ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा? सॉरी, किसी भी चीज को आपको सफिशियंट क्वांटिटी में लेने की जरूरत है. जैसे कि अगर किसी को फीवर होता है तो उसको 500 mg पैरासिटामोल काम करेगा, 100 mg का पैरासिटामोल काम नहीं करने वाला. सिमिलरली जब आप कोई न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो यू हैव टू टेक इन सफिशियंट डोज. अगर आप ऑप्टिमम डोज में नहीं लेंगे, सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे, तो इससे कोई पॉजिटिव बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला, और मतलब कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट समझ में नहीं आएगा. अगर आपको प्रॉपर डोज में चाहिए, इतना डोज चाहिए जिससे आपके बॉडी में पुराना डिपॉजिट फैट, विसरल फैट गल के निकले, फॉर दैट यू नीड टू कंज्यूम एटलीस्ट मुट्ठी भर की अलसी चाहिए आपको. इतना सारा अलसी अगर आप चबा के खा सकते हैं डेली बेसिस पर, देन गो अहेड, नो प्रॉब्लम. अगर नहीं कर सकते, देन वी हैव अ सॉल्यूशन. एक बहुत ही जबरदस्त रेडीमेड सॉल्यूशन है, दैट इज फ्लेक्सवेल कैप्सूल. वेस्टीज के अंदर एक फ्लेक्सवेल कैप्सूल आता है. ये अलसी जो होता है, अलसी से फिजिकल प्रोसेसिंग के द्वारा, कोल्ड प्रोसेस टेक्निक के द्वारा हम ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरीफाई कंसनट्रेट करके ये कैप्सूल डिजाइन किया है. अमेजिंग रिजल्ट्स हैं. हु कैन यूज दिस? जिनको भी ऑलरेडी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनकी मेडिसिन चल रही है, अलोंग विद दोज मेडिसिन आप इस सप्लीमेंट्स को कंज्यूम कर सकते हैं. 1-2 कैप्सूल सुबह, 1-2 कैप्सूल शाम को. आज आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें और 3 महीने के बाद और फिर 6 महीने के कराएंगे, यू विल सी द मैजिक इन योर रिपोर्ट्स इटसेल्फ. रिपोर्ट्स आपकी आपको बताएंगी क्या कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है. ये किडनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है. फ्लेक्स ऑयल जो है आपका LDL लेवल कम कर देगा, HDL लेवल बढ़ा देगा. जिनको डायबिटीज पुरानी हो चुकी है, 300-400 शुगर रहती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, अगर आप ओमेगा 3 लेना शुरू करते हैं, आई एम टेलिंग यू 3 महीने 6 महीने साल भर के अंदर आपका इंसुलिन के डोजेस ऑटोमेटिक कम होने लगेंगे. आपकी टेबलेट्स पर डिपेंडेंसी बहुत धीरे धीरे कम हो जाएगी. आर्थराइटिस, ओमेगा 3 इज बेसिकली इन एंटी इन्फ्लेमेटरी. आपके बॉडी में कहीं पे भी जॉइंट पेन है, कहीं पे भी पेन है अगर बॉडी में, तो इट वर्क्स लाइक इन एंटी इन्फ्लेमेटरी. तो आपके आर्थराइटिक पेन को कम करने वाला है.
आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने वाला है। फीमेल्स के लिए अमृत है, फीमेल्स में जो हॉर्मोन्स होते हैं राइट, उन सब हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए ओमेगा 3 वर्क्स लाइक फिनोमिनल। सो हेयर के लिए, स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है राइट। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आप 18 ईयर एंड अबव हैं, इफ यू वांट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, अगर आप अपनी डाइट में नेचुरल तरीके से ओमेगा 3 नहीं ले पा रहे हैं, सो आप ओमेगा 3 ले सकते हैं। देयर आर 3 प्रोडक्ट्स फॉर ओमेगा 3। फर्स्ट, पहला एक फ्लैक्स ऑयल है, दूसरा आपके पास कोकोनट ऑयल है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, थर्ड वन इज क्रिल ऑयल। क्रिल बेसिकली समुद्र में पाए जाने वाले एक मछली होती है, काइंड ऑफ प्लांट, मतलब एक क्रिल, एक झींगा टाइप की एक मछली होती है जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड ओमेगा 3 का जो सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन होता है वो क्रिल के अंदर होता है राइट। मोस्ट बायोलेबल फॉर्म होता है ओमेगा 3 का, वो क्रिल के अंदर। सो किसी भी तीनों में से कोई भी एक सप्लीमेंट आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए चूज कर सकते हैं राइट। सो ओमेगा 3 लेने से आपकी हेल्थ में ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट आएगा राइट। सिर से लेकर पैर तक आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। जिन लोग, जो लोग आज हेल्थी हैं, अगर आप लेंगे तो फ्यूचर में आप बीपी, शुगर, हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशन को कम करते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी ऐसी कोई डिजीज है तो आप ये लेना शुरू करें, आपके नंबर ऑफ मेडिसिन डोजेस धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑयल। आप में से हम सभी लोगों के घरों में हम बहुत सारे तरह तरह के ऑयल यूज कर रहे होते हैं, बट मोस्ट कॉमन ऑयल जो यूज कर रहे होते हैं दैट इज हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, दैट इज ऑफ रिफाइंड ऑयल। हम घरों में रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे होते हैं। मैं आज आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ जहां पर आपको पता चलेगा कि हम जो ऑयल यूज करते हैं वो कितना खतरनाक है राइट। आपके तेल में छुपा है ऐसा स्लो पॉइजन जो हर रोज आपको मौत के करीब ले जा रहा है। ये खुलासा किया है दिल्ली की एक संस्था CAC यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने। देश के 30 बड़े तेल ब्रांड्स को CAC ने अपने लैब में टेस्ट किया और जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। CAC के मुताबिक आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं उसमें मिला हुआ है ऐसा प्रतिबंधित ट्रांस फैट जो सेहतमंद इंसान को भी दे सकता है हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां। जरा सोचिए, आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं वो तेल हर पल आपको ले। जस्ट इमेजिन करिएगा आप, हम घरों में, ब्रांड कोई सा भी होगा, रुचि होगा, देयर कैन बी नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल, बिग बाजार, डीमार्ट में इतने बड़े बड़े ब्रांड्स रखे रहते हैं। हम, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे घरों में बीमारी का जो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, जो रूट कॉज है, दैट इज रिफाइंड ऑयल। ब्रांड कोई सा भी हो सकता है, रिफाइंड ऑयल होता क्या है? रिफाइंड ऑयल जो आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स ऑफ रिफाइंड ऑयल। आप बाजार से जो रिफाइंड ऑयल लेके आते हैं वो क्या भाव लेके आते हैं? जनरली जो हम रिफाइंड ऑयल लेके आते हैं मार्केट से, 100 रुपीज लीटर लेके आते हैं, 100-125 रुपए लीटर लेके आते हैं राइट। अब ये रिफाइंड तेल बनता कैसे? इधर सोयाबीन से बनेगा या मूंगफली से बनता है राइट, या सरसों से बनता है। अगर हम 1 kg सोयाबीन लें, अगर आप कच्चा सोयाबीन लेते हैं मार्केट से 1 kg और उससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करें, तो आपको क्या लगता है कितने लीटर ऑयल निकलेगा उस 1 kg सोयाबीन से? 2-4 लीटर निकलेगा क्या? नहीं निकलता। 1 kg सोयाबीन से आपको सिर्फ 200 ml ऑयल निकलेगा। अब 1 kg जो सोयाबीन है इसकी कॉस्ट कितनी है? 40 rupees kg। 1 kg सोयाबीन से अगर आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो निकलता है 200 ml। अगर आपको 1 liter ऑयल चाहिए, अगर आप 1 liter ऑयल चाहते हैं, तो यू नीड 5 kg ऑफ सोयाबीन। 5 kg सोयाबीन को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट हो जाएगी 200 rupees a लीटर। अगर आप नेचुरली खुद अपने तरीके से आप सोयाबीन से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको खुद 200-250 रुपए लीटर में वो ऑयल पड़ने वाला है, लेकिन मार्केट से जो आप ऑयल लेके आ रहे हैं वो आपको सिर्फ 80-100 रुपए लीटर में मिल रहा है। आपको पता क्या मिलाया जाता है उसके अंदर? जो हम रिफाइंड तेल लेके आ रहे हैं वो कितना, आप जिस कंटेनर में स्टोर करते हैं ना रिफाइंड ऑयल को, वो इतना गाढ़ा और स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट पाम ऑयल। उसके अंदर एक खतरनाक नॉन एडेबल ऑयल मिलाया जाता है, दैट इज पाम ऑयल। यही पाम ऑयल जो है पिछले 10-20-30 साल से हमारे आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो रहा है। आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल पर्सन है जो कोई नॉन वेज नहीं करता, कोई ड्रिंक नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी उसको बीपी है, फिर भी उसको ब्लॉकेज निकला। क्यों निकला? ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो जमा डिपॉजिट हुआ ना, इट इज बिकॉज ऑफ दैट हार्मफुल रिफाइंड ऑयल दैट वी आर यूजिंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। 30-40 ईयर्स बैक जाएं, पहले कहां इतने लोगों को ब्लॉकेज होते थे, कच्ची घानी का हम सामने निकला हुआ तेल यूज करते थे। पर जब से रिफाइंड ऑयल इंडिया में आया है, ये पामोलिन ऑयल 20-30 रुपए लीटर आता है मार्केट में, इंपोर्ट करते हैं और उसको एडल्ट्रेट करके मिला देते हैं राइट। सो द क्वेश्चन इज दैट कि हमें कौन सा तेल यूज करना चाहिए।
इवन डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि बॉस आपको सनफ्लावर रिफाइंड ये बदल बदल की ऑयल लेना चाहिए. क्यों बोलता है? इट इज बिकॉज कि आपको कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हाई क्वांटिटी ऑफ ये पाम आता है आपके बॉडी में और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जाने के बाद वजह से प्रॉब्लम हो रही है. सोल्यूशन है राइस ब्रैन ऑयल. आप गूगल करें इंटरनेट पे आप जाएं, यू विल फाइंड राइस ब्रैन ऑयल एक ऐसा जबरदस्त ऑयल है जिसका जो फॉर्मुलेशन है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कुकिंग ऑयल है. राइट, राइस ब्रैन ऑयल बेसिकली तैयार काय से होता है, तो राइस का जो छिलका होता है, जो ब्रैन होता है, उससे ये ऑयल को फिजिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो वेस्टीज के अंदर जो राइस ब्रैन ऑयल है, इट इज गॉट फिनोमिनल प्रॉपर्टी. सबसे पहली चीज है इट इज फिजिकली रिफाइंड. सेकेंड चीज, इसके अंदर विटामिन ई ए डी टू डाला गया है. थर्ड थिंग, इट हैज गॉट गामा ओरिजिनॉल. आई रिपीट, राइस ब्रैन ऑयल के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो होता है गामा ओरिजिनॉल. गामा ओरिजिनॉल क्या करता है? गामा ओरिजिनॉल आपकी आर्टरी के अंदर जो पुराना बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है इसको रिमूव करने में हेल्प कर रहा होता है एंड नए कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट होने की प्रोसेस को रोक देता है. राइट, तो जब आप अपना घर का कुकिंग ऑयल ही रिप्लेस कर देंगे, मतलब आपके घर में जहां से बीमारी एंटर हो रही थी अगर आपने उस ऑयल को ही रिप्लेस कर दिया और आप राइस ब्रैन ऑयल यूज करते हैं, सो सी क्या होने वाला है. सबसे पहली चीज जो इम्प्रूवमेंट आपको समझ में आएगा, आपका बॉडी में जो डिपॉजिट होने की प्रोसेस थी वो आपने ब्लॉक कर दी. दूसरी चीज, फर्दर डिपॉजिट होने का, जो नया डिपॉजिट होने का प्रोसेस था वो भी आपने ब्लॉक कर दिया. सो एक छोटी सी हैबिट है, एक छोटी सी चीज है, अगर आप अपने घरों में बदल लें, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों के, ओवरऑल फैमिली हेल्थ में ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आ सकता है, दैट इज योर कुकिंग ऑयल. इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया है, NIN ने, अमेरिकन हार्ट ऑफ एसोसिएशन, जो वर्ल्ड की लीडिंग कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने राइस ब्रैन ऑयल पर रिसर्च किया है और ये पाया है कि जो फैमिलीज में राइस ब्रैन ऑयल यूज करते हैं उन फैमिलीज में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ओबेसिटी की रिस्क कम होती है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो लोग नॉर्मल रिफाइंड ऑयल को यूज कर रहे होते हैं. सो इट्स अ मेडिकली प्रूवन, आई एम टेलिंग यू. राइट, राइस ब्रैन ऑयल के बारे में हमारे मोदी जी ने भी, आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बताया कि ये ऑयल कितना बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए. सो लेट्स हैव अ लुक. हिंदुस्तान के गांवों में भी हो सकता है. मैं नौजवानों को उदाहरण देता हूं, आपके उड़ीसा में चावल की खेती होती है, पैड़ी पैदा होती है, उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है. बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है. यू जस्ट इमेजिन क्या बात कर रहे हैं. सी, ही इज नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनी और प्रोडक्ट, बट जस्ट इमेजिन कि वो राइस ब्रैन ऑयल के बारे में क्या बात कर रहे हैं. राइस ब्रैन ऑयल इतनी पावरफुल चीज है कि हमारे इंडिया में जितनी डायबिटीज बीपी के नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, अगर हमारे इंडिया के हर घर में ये ऑयल को हम रिप्लेस कर दें, काफी हद तक हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं. बिकॉज वो जो कल्प्रिट है रिफाइंड ऑयल, मार्केट में आप किसी भी बर्गर, किसी भी आप रिफाइंड दुकान पर जाते हैं, समोसे, भजिए, पकौड़े जो आप खा रहे होते हैं, वो एक ही ऑयल को बार बार रिसाइकिल कर रहे होते हैं. दैट इज अगेन वेरी डेंजरस. राइस ब्रैन ऑयल के हेल्थ बेनिफिट है फिनोमिनल है. सबसे पहली बात, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है. सेकेंड थिंग, राइस ब्रैन ऑयल के अंदर फेरुलिक एसिड होता है. फेरुलिक एसिड बेसिकली वर्क्स लाइक ए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. तो जो प्री पेरी और प्री मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उनके अंदर हॉट फ्लशेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से तमाम सारे हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको कम करने में बहुत हेल्प कर रहा होता है. एंटी एजिंग का काम करता है. हम जितनी भी प्रीमियम जो कॉस्टली एंटी एजिंग क्रीम्स को देखेंगे तो उनमें राइस ब्रैन ऑयल एक कॉम्पोनेंट होता है. राइस ब्रैन ऑयल से के अंदर स्क्विलेंस होते हैं जो आपकी स्किन को की इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं. यू लुक यंग एंड ग्लोइंग. सी, सिर्फ राइस ब्रैन ऑयल को चेंज करने से आपके हेल्थ में कितना इंप्रूवमेंट आने वाला है. इट हैज गॉट एंटी कैंसर प्रॉपर्टी एज वेल. आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में हेल्प करता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉर्मल रिफाइंड तेल में जब आप खाना पकाते हैं तो आपके हाथ में ऑयल आता होगा, राइट? लेकिन जब आप राइस ब्रैन ऑयल में खाना पकाएंगे तो आपके हाथ में ऑयल नहीं आएगा, बिकॉज इट हैज गॉट लेस एब्जॉर्बिंग फॉर्मूला. तो इसका एडवांटेज क्या होता है? नॉर्मल ऑयल अगर आपके घर में 4 लीटर महीने में लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 लीटर लग रहा है नॉर्मल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, तो सिर्फ 2 लीटर में आपको लगने वाला है राइस ब्रैन ऑयल. इफ आई टॉक अबाउट द कॉस्ट, 2 लीटर राइस ब्रैन ऑयल का जो पैकेट होता है, बॉटल होता है, उसका कॉस्ट होता है 290 रुपीज ओनली, 145 रुपीज ए लीटर. नॉर्मल रिफाइंड तेल अगर 4 बॉटल आप लेते थे तो 400 रुपए, 400 रुपीज खर्च करने वाले थे. बीपी शुगर की बीमारियां जो थी वो ऑफर में मिलती थी, फ्री में मिलती थी रिफाइंड ऑयल खाने से. लेकिन आप राइस ब्रैन ऑयल यूज कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, आपको इतने सारे हेल्थ के बेनिफिट मिल रहे हैं, कॉस्ट वाइज भी एफिशिएंट है
और जब आप कुकिंग करेंगे तो इसका जो टेस्ट होता है वो फिनोमिनल होता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल को जब आप रिसाइकिल करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और गाढ़ा चिपचिपा हो जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसीलिए बोलते हैं कि बाहर का जो फ्राइड फूड होता है, डीप फ्राइड चीजें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप वही चीज को आप राइस ब्रैन ऑयल में फ्राई करते हैं, 2-3 बार रिसाइकिल भी कर लेते हैं, तो राइस ब्रैन ऑयल 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता, और इसकी जो विस्कोसिटी होती है बिल्कुल पानी की तरह पतला होता है। तो हेल्थ के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। तो मैं अगर बात करूं एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर आप अपने आप को और अपनी फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो मैंने इन 4 प्रोडक्ट्स पे बात करी, 4 चीजों पे। सबसे पहली बात, अगर आपको अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक इंप्रूव करना है, नेचुरल सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपनी डाइट में स्प्राउट्स लेना शुरू कर दें। स्प्राउट या चने जो है सबसे बेहतरीन चीज है, 1 कटोरी 2 कटोरी जो भी आपको रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट ए बॉल आप एवरी डे लें। लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं फिर भी आपको लगता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, आपके पास वेस्टीज प्रोटीन पाउडर, प्योर प्रोटीन पाउडर का ऑप्शन है। सेकंड थिंग, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बॉडी, सो स्पिरुलिना एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको बताया। थर्ड आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर आपको लेना है तो सी बकथॉर्न बहुत ही अच्छी चीज है। फोर्थ जो बहुत ही एसेंशियल मैंने आपको बात करी, दैट इज ओमेगा 3, जो हमारी डाइट में है ही नहीं है, और ओमेगा 3 हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, आपको खाने के माध्यम से ही कंज्यूम करना पड़ेगा, बट प्रॉपर डोज में लेंगे तभी आपको हेल्थ के बेनिफिट मिलेंगे। सो मैंने आपको बात किया ओमेगा 3 के लिए, यू गॉट फ्लैक्स ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड क्रेल ऑयल, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। एंड द लास्ट वन व्हिच आई डिस्कस विद यू, दैट इज योर कुकिंग ऑयल, राइट। ये अगर ये 4-5 चीजें अगर आपने अपने फैमिली में लेना शुरू कर दी, एंड आप बिलीव मानिएगा, जो आपका हर महीने हर 3 महीने में डॉक्टर्स के विजिट होते थे, हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़ता था, ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। चॉइस आपके पास है कि अगर हम आज स्वस्थ रहते हुए कुछ अच्छे सप्लीमेंट हम अपने डाइट में ऐड कर लें और अपने आप को हेल्दी और फिट रख लें, या फिर बीमार होने के बाद हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं, चॉइस इज योर्स। नाउ द लास्ट पॉइंट, मैं बात करूंगा इम्यूनिटी के बारे में, बिकॉज अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी जो चैलेंज चल रहा है, दैट इज ऑफ इम्यूनिटी। सो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए आपके पास, चूंकि हमारे हिंदुस्तान में घरेलू नुस्खे बहुत बहुत कारगर है, राइट, हर एक फैमिली में आपको अदरक आपके घर में मिलेगा, लहसुन आपको घर में मिलने वाला है, आपको काली मिर्च आपको मिलने वाली, सब तुलसी आपके घरों में लगी हुई होती है, तो ये सारे नेचुरल चीजें हैं जिनको आप कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपके घर में अवेलेबल है। अदरवाइज वी हैव गॉट अ वेरी गुड सप्लीमेंट रेंज फॉर इम्यूनिटी पैक, इम्यूनिटी का एक स्टैंडर्ड पैकेज हमने तैयार किया है, जो कोई भी इंडिविजुअल उनको ले सकता है और अपने आप को और अपनी फैमिली को इस जो टफ टाइम चल रहा है, जो इम्यूनिटी कोरोना का टाइम चल रहा है, आप अपने आप को अपनी फैमिली को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सो व्हाट दिस इम्यूनिटी पैक इज ऑल अबाउट, द फर्स्ट प्रोडक्ट व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज गिलोय प्लस, राइट। गिलोय एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है, एक हर्ब होती है। गिलोय के अंदर मतलब इतने सारे फिनोमिनल, ये आपके प्लेटलेट काउंट को इम्प्रूव करता है, राइट, WBC काउंट को कंट्रोल करके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, एंटी बैक्टीरियल, और फीवर नहीं आने देता। जो गिलोय होता है वो आपके बॉडी को फीवर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प कर रहा होता है। तो ये बेसिकली एक लिक्विड होता है 750 ml का, और इसके अंदर गिलोय, हल्दी, पिपली और तुलसी, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल दैट यू कैन गेट फ्रॉम बेस्टीज बेस्टी। नोनी जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। डॉक्टर कलाम ने इसके ऊपर एक बुक लिखी हुई है, नोनी द मिरेकल फ्रूट, पीपल सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे लंग्स, कोरोना या जो वायरल अटैक है वो हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो नोनी इज बीन फाउंड वेरी मच इफेक्टिव टू स्ट्रेंथन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। तो नोनी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आप ऐड कर सकते हैं टू मेंटेन योर इम्यूनिट सिस्टम, राइट। देन कम्स कोलेस्ट्रॉम। दोस्तों कोलेस्ट्रॉम जो है, जैसे कि हमारे यहाँ पर बताया जाता है मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क फॉर योर बेबी, राइट, ठीक वैसे ही जब गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, जो फर्स्ट मिल्क होता है काउ मिल्क, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है वर्ल्ड वाइड, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इम्यूनिटी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए द बेस्ट प्रोडक्ट है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इससे बेहतरीन प्रोडक्ट इस अर्थ के ऊपर नहीं है। मैं आपको बात करूं, मेरी 2 डॉटर्स हैं, 1 is 8 year old, 2nd is 3 year old, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, सुबह जब उठती हैं 1 से 2 कैप्सूल उनको खोल के, बिकॉज दे कैनॉट, उसको इंजेस्ट नहीं कर सकते, खोल के जस्ट लाइक मिल्क पाउडर चम्मच में डाल के दे देते हैं। एंड गॉड ग्रेस, पहले 3-4 साल पहले और अभी मैं उनको जो फर्क समझ में आता है, उनको सर्दी जुकाम खांसी सीजनल प्रॉब्लम होते थे, बट वंस दे स्टार्टेड टेकिंग दिस सप्लीमेंट, हेल्थ इज जबरदस्त, मतलब उनको बार बार जुकाम खांसी बुखार आना, फीवर आना, सीजनल प्रॉब्लम होना खत्म हो चुका है। सो ये जो प्रोडक्ट है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी, मतलब 2 महीने 3 महीने का बच्चे से लेके 100 साल का पर्सन कोई भी ले सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम टेलिंग यू।
इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोडक्ट दैट यू कैन टेक, कोलेस्ट्रॉल. देन थर्ड वन इज आंवला. हम सब जानते हैं आंवला इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, राइट. आप अगर घर में आपके पास आंवला है तो वो कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज वेस्टीज का आंवला कैप्सूल है, सप्लीमेंट है, दो कैप्सूल सुबह दो कैप्सूल शाम को आप ये ले सकते हैं. सी भक्तों, आई ऑलरेडी टोल्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी पैक, नोनी, कोलेस्ट्रॉल, कर्क्यूमिन. कर्क्यूमिन हल्दी, राइट. हम बात करते हैं ना रात को हल्दी डाल के दूध पीना चाहिए, तो वेस्टीज में एक कर्क्यूमिन भी प्रोडक्ट आता है. बेसिकली जो हमारे घरों में हल्दी यूज कर रहे होते हैं उसमें एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कर्क्यूमिन, राइट. पर कर्क्यूमिन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, मतलब 10 किलो अगर हल्दी लेते हैं तो उसमें से हार्डली 10 से 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम कर्क्यूमिन निकल रहा होता है. 10 केजी में से इतनी कम मात्रा में कर्क्यूमिन निकल पाता है. सो इतना सारा हल्दी कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं होता, बट जो वेस्टीज का कर्क्यूमिन सप्लीमेंट है इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में कर्क्यूमिन होता है, राइट. तो इस कैप्सूल को खोल के गर्म पानी या गर्म दूध में डाल के अगर आप लेते हैं तो यू विल गेट फिनोमिनल रिजल्ट्स, राइट, इन योर हेल्थ. सो दीज आर द बेसिक सप्लीमेंट्स फॉर योर इम्यूनिटी पैक. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, और जिस पर्सन ने आज आपके इनवाइट किया आज के इस हेल्थ सेशन में, आप उनसे बात करें, ही विल हेल्प यू आउट. लास्ट में इतनी बोलूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है कहीं बाजार में किसी किराना स्टोर, जनरल स्टोर या मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलते हैं. उसका एकमात्र रीजन है कि कंपनी नहीं चाहती कि इसमें एडल्ट्रेशन हो, मिलावट हो. ये वेस्टीज कंपनी के द्वारा डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर एक सिस्टम है जिसके थ्रू आपको मिलने वाले हैं. अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं और इनको कैसे कंज्यूम करना है, आप उस पर्सन को कॉन्टेक्ट करिए जिस पर्सन ने आज के सेल्स सेशन के लिए इन्वाइट किया है, राइट. वो आपको हेल्प करेंगे इस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने में और उस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हैं, क्या डोसेज हैं, ही विल हेल्प यू आउट, राइट. लास्ट में एक बात करूंगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, राइट. Why should I consume this product? पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगेन बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है अगेन हम अपनी हेल्थ पे ले रहे हैं, राइट. तो मैं आपको बात कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट है वेस्टीज की, मतलब वेस्टीज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है. और अगर क्वालिटी की बात करूँ तो वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेट वेस्टीज के पास है. हेल्थ फूड एंड डायट्री सप्लीमेंट्स एसोसिएशन की मेंबर है. GMP सर्टिफिकेट्स है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है. WHO GMP सर्टिफाइड यूनिट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. और इससे बढ़िया अवार्ड क्या हो सकता है. वेस्टीज को 2017 और 2018 में लगातार बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है एबीपी न्यूज, एबीपी चैनल के द्वारा. जस्ट इमेजिन, जब क्वालिटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, तभी इतना बड़ा अवार्ड और रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है. वेस्टीज के जो सप्लीमेंट्स हैं वो हलाल सर्टिफाइड हैं. वेस्टीज के सप्लीमेंट इंडिया के बाहर 7 अदर कंट्रीज में अवेलेबल हैं. सो इट इज बिकॉज ऑफ देयर फिनोमिनल क्वालिटी एंड प्योरिटी. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, हम बात कर रहे हैं स्वदेशी की. वेस्टीज इज ए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, राइट. हमें प्राउड होता है कि हम एक ऐसे ब्रांड, ऐसे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं जो इंडियन है. और अच्छी बात यह कि आयुर्वेदिक है. दीज ऑल सप्लीमेंट्स, मैक्सिमम सप्लीमेंट्स आर आयुर्वेदिक, 100% प्योर नेचुरल फॉर्म में है, राइट. और अच्छी बात क्या है, उससे भी अच्छी बात, दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. यही प्रोडक्ट अगर आप कहीं अदर ब्रांड मल्टीनेशनल पर जाते हैं तो 4-5 गुना कीमत में आपको मिलती है. सो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इंडियन ब्रांड, प्योर आयुर्वेदिक ब्रांड को यूज करने का. आप यूट्यूब पर जाएंगे, यू विल फाइंड लैक्स ऑफ व्यूज, हजारों लाखों व्यूज आपको मिलेंगे, टेस्टिमनी मिलेंगे कि लोगों को कितनी सारी क्रॉनिक एलिमेंट्स थी, बीमारियां थी, और उसके बाद इन सप्लीमेंट्स को यूज करने के बाद उनकी हेल्थ आज जबरदस्त है, राइट. लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं कि आपने इतनी अच्छी बात कर ली सर, लेकिन आई हैव सम डाउट, राइट. सो लेट्स डिस्कस. फटाफट मैं बात करता हूँ कि मैं सप्लीमेंट क्यों लूँ, मुझे इनकी क्या जरूरत है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, राइट. बिकॉज हमारी डाइट में हम उतना न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, फ्रूट्स प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, वेजिटेबल्स फाइबर नहीं ले पा रहे हैं. उसको कवर अप करने के लिए यू नीड टू टेक सप्लीमेंट्स, राइट, टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, दैट्स इट. ये बहुत ज्यादा कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज सप्लीमेंट्स कैप्सूल की तरह दिखते हैं, ठीक है. तो सर क्या मैं डॉक्टर से, मैं आई विल आस्क बाई डॉक्टर, या क्या डॉक्टर से पूछना बहुत जरूरी है सप्लीमेंट्स को लेने से पहले. देखिए दोस्तों, आराम से आप अपना जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है, डॉक्टर है, उनसे पूछ सकते हैं. बट मेरी एक आपको सजेशन है या सलाह है, आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं. जो भी सप्लीमेंट, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, गाइड करी, दीज ऑल आर फूड, नेचुरल फूड है. आंवला का अचार, अनावले का मुरब्बा, च्यवनप्राश जब हम खाते हैं तो कभी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए? नहीं जाते. फ्रूट्स लेने के लिए हम जब बाजार में जाते हैं तो कभी डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या क्या फ्रूट ले लूं? नहीं. तो दोस्तों ये जो चीजें आपको बताई गई हैं, ये बेसिकली एक फूड आहार संपूरक हैं. दिखने में आपको कैप्सूल जैसे लग रहे हैं बट दीज आर नॉट मेडिसिन एक्चुअली,
ये नेचर में नोनी एक फ्रूट है, आमला एक फ्रूट है, सीबकथॉर्न एक फ्रूट है, तो उन फ्रूट्स को हम नेचुरली नहीं ले पा रहे थे, उनको कंसेंट्रेटेड करके पाउडर फॉर्म में एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसको हम इजी तरीके से कंज्यूम कर सकें, दैट्स इट, राइट। हाँ, कई बार हैरानी तब ये होती है मुझे कि जिन चीजों के लिए हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए उनके बारे में हम नहीं पूछते, हमें पता है उनसे नुकसान होता है। हमें स्मोकिंग जब हम करते हैं, राइट, कोई नहीं करता होगा, पर जब करता है कोई बंदा, कभी डॉक्टर से जाके पूछता है, लिखा हुआ है बॉटल के ऊपर, सिगरेट के पैक के ऊपर, इट इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ, बट हम डॉक्टर से नहीं पूछते, पता होने के बावजूद भी हम पूछने नहीं जाते। यहाँ पर जब एक अच्छी सलाह मिलती है कि ये कंज्यूम करने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो कई बार लोग बहुत ज्यादा दिमाग चलाते, ओवर स्मार्ट बनते हैं, आई हैव टू चेक विद माय डॉक्टर, इट्स ओके। दूसरी चीज और मैं बताता हूँ, जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है या डॉक्टर्स के जो कोर एरिया है या जो उनकी एजुकेशन होती है, वो पूरी एजुकेशन काय पे फोकस होती है, वो फोकस होती है कि आप जब बीमार हो जाएंगे, बीमार होने के बाद आपकी को क्या सिम्टम्स होंगे, उसके लिए क्या मेडिसिन देनी है, उस पर उनका रोल होता है। प्रिवेंशन के लिए उनके पास कोई चीज नहीं है, न्यूट्रिशन के उनके पास नॉलेज नहीं है, न्यूट्रिशन के लिए क्वालिफाइड डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होते हैं जो आपको वो कंसल्टेशन दे सकते हैं। सो कई बार एक प्रोफेशनल ईगो आड़े आती है कि बस इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन द फैक्ट इज दैट आप बहुत सारा लिटरेचर है दुनिया में अवेलेबल, आप गो थ्रू करेंगे आपको पता चलेगा कि नेचुरल सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में, राइट। एनी साइड इफेक्ट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये सारे के सारे नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स हैं। खाने के कभी साइड इफेक्ट हुए हैं क्या? आपने कभी पपाया, मैंगो खाया होगा, पालक खाई होगी, कभी साइड इफेक्ट हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। सिमिलरली इन सप्लीमेंट्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, राइट, नो साइड इफेक्ट्स। कैन आई टेक अलोंग विद माय करंट मेडिसिंस? कई बार लोग पूछते हैं कि सर मेरा ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है थायराइड बीपी शुगर का, क्या मैं वो दवाइयां छोड़ दूं और इनको लेना शुरू कर दूं? ऐसा कभी नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको अपनी दवाइयां बंद नहीं करनी है विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस, बिकॉज आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपको पता है, डॉक्टर्स को पता है, आपको आपकी करंट मेडिसिन बंद नहीं करनी है। उन करंट एग्जिस्टिंग मेडिसिन के साथ में इन सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं, राइट। पर सवाल ये आता है, सर कोई रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, एब्सोल्युटली। आप जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप अपनी मेडिसिन लेते हैं, तो कोई रिएक्शन होती है क्या? नहीं होती ना। ठीक वैसे ही ये भी एक तरीके का खाना है, पर एक कैप्सूल्स के फॉर्म में। तो जब आप फूड सप्लीमेंट लेंगे, फूड सप्लीमेंट्स क्या है? नेचुरल है, और आपकी दवाइयां मेडिसिन है, केमिकल्स हैं, तो नेचर का केमिकल का कोई रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन होते हैं दो केमिकल्स के, दो ड्रग्स के और मेडिसिन के रिएक्शन हो सकते हैं, बट फूड का और दवाई का रिएक्शन नहीं होने वाला। सो जब आपकी एग्जिस्टिंग मेडिसिन चल रही हैं, उनके साथ में ऑलरेडी जो सप्लीमेंट्स आपको बताए गए हैं, वो सप्लीमेंट्स आप आराम से ले सकते हैं, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेरी कॉमन क्वेश्चन सर, हाउ लॉन्ग आई हैव टू टेक, कब तक ले सकता हूँ सर मैं सप्लीमेंट्स, कब तक लेने चाहिए? मेरा सिंपल सा आंसर है, जब तक आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहें। अगर आप अपने आप को एक साल तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एक साल तक लीजिएगा, जिंदगी भर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जिंदगी भर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर कभी अगर बंद कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, ये कोई ड्रग नहीं है, इससे कोई एडिक्शन नहीं होने वाला। अगेन, एडिक्शन होता है ड्रग्स से, अगर वो नहीं लेंगे तो आपको अंदर प्रॉब्लम होगी। आपने अगर 7 दिन फ्रूट्स खाए और 5-7 दिन फ्रूट्स नहीं खाए, तो आज तक मैंने कोई इंसान नहीं देखा जो आईसीयू में भर्ती हो गया हो कि एडिक्शन हो गया फ्रूट्स खाने का, नॉट एट ऑल। आपकी बॉडी नेचुरल है, जो आप उसे देते हैं, आपकी बॉडी को जो जो चीज उसको लेनी होती है, एक्सट्रैक्ट करनी होती है, वो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर लेती है फूड से, बाकी जो चीज नहीं जरूरत होती बॉडी को, वो आपके यूरिन और फीसिस से बाहर निकल जाती है। सो आपकी बॉडी को पता है कि कितना न्यूट्रिशन चाहिए, उतना न्यूट्रिशन वो बॉडी आपको नेचुरल तरीके से ले लेती है, राइट, और जो जरूरत की चीज नहीं है वो बाहर निकाल देती है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। इफ आई स्टॉप टेकिंग सप्लीमेंट, अगर मैंने लेना बंद कर दिया तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो प्रॉब्लम, जो पहले आपकी बॉडी थी वैसे करेगी परफॉर्म। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपनी हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ऑलमोस्ट 4-5 years से वेस्टीज में हूँ, जब से मैं इन सप्लीमेंट्स की वैल्यू पता चली, आई एम मे एंड माई फैमिली इज यूजिंग, देर आर लैक्स एंड करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया जो इन सप्लीमेंट्स को रेगुलर बेस पे यूज कर रहे हैं, तो सो मेनी ईयर्स आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो ये बेसिक कुछ क्वेरीज होती हैं इन सप्लीमेंट्स को लेके, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो आई थिंक आज का सेशन मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, बट आई होप आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। विद दिस आज का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आई एम एनेबलिंग चैट ओवर हेयर, आप उसको मतलब मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दी सप्लीमेंट्स। बट
ये सप्लीमेंट्स वो कैटेगरी है, अगर इन पे आपने खुद कंज्यूम किया और लोगों को शेयर किया तो आप तो हेल्दी होंगे होंगे, बट आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की हेल्थ अच्छी हो सकती है, राइट। सो विद दिस थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए, है ना, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।